हाउ यू डिसाइडेड कि मुझे कास्टिंग डायरेक्टर बनना है या फिर आप इवेंचुअली खुद ही कास्टिंग में आ गए और कास्टिंग डायरेक्टर बन गए? आई जस्ट वांट टू नो दिस। सबसे पहले तो हमारी इंडस्ट्री के अंदर कास्टिंग डायरेक्टर को लेके कोई कोर्स नहीं है, ठीक है, क्योंकि कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जहाँ पे आप कास्टिंग डायरेक्टर, एक्टर बनने का कोर्स है, प्रोड्यूसर बनने का कोर्स है, डायरेक्टर बनने का कोर्स है, लोग अपने आगे कास्टिंग डायरेक्टर लिख देते हैं। और सच्ची बोलूँ आज तक मैंने कभी कास्टिंग डायरेक्टर वर्ड यूज़ करने में थोड़ा डर भी लगता है। वेब सीरीज़ करी, आपने सेट पे जाके बोल दिया हमने दीपक मल्होत्रा को पेमेंट कर दी, मतलब कर देंगे 3 दिन के अंदर, आर्टिस्ट को लगा हाँ चलो हो जाएगी, आर्टिस्ट का 3 दिन बाद फोन बनना शुरू हो गया। एक अच्छी ऑडिशन क्लिप कैसी होनी चाहिए अगर किसी एक्टर को बना के भेजनी है तो? ऑडिशन क्लिप में जब भी आप अपना ऑडिशन रखें, आजकल जैसे कि सेल्फ का जमाना चल गया कि सेल्फ टेस्ट लोग घर से भेजते हैं, जबकि मैं इसके बहुत अगेंस्ट हूँ फ्रेंकली स्पीकिंग। नहीं, एक्टर बोलता ना पहले कि मुझे इतने चाहिए। अच्छा, अगर एक्टर कहता है कि मुझे 50 रुपये चाहिए तो डेफिनेटली फिर मुझे उस पैसे के हिसाब से अपने आप को देखना पड़ता है ना। गॉट इट। एक कास्टिंग डायरेक्टर महीने का कितना कमाता होगा यूजुअली? मूवीज़ के अंदर पैसा देके काम नहीं ले सकते, खुद को लॉन्च कर रहे हो तो आपकी जेब में कम से कम। तो मुझे लगता है कि जो इंडिया में पैदा होते हैं ना लोग, उनके अंदर एक ये सपना तो जरूर आता है मूवीज देखने के बाद, यार मुझे एक्टर बनना है, चाहे हीरो बनो चाहे हीरोइन बनो, है ना। और इस सपने को साकार करने के लिए आपको एक सीढ़ी चाहिए होती है। दिल्ली में या दिल्ली के आसपास में अगर आप ये वाला सपना देख रहे हैं तो वो जो सीढ़ी है, वो सीढ़ी जो है हमारे साथ है आज। मेरे साथ हैं फेमस दिल्ली के कास्टिंग डायरेक्टर मिस्टर दीपक मल्होत्रा सर। सर हाय, थैंक यू सो मच। एंड मेरा नाम दीपक मल्होत्रा है और ये सभी जानते हैं, लेकिन अब सो प्यार से लोग मुझे डीएम कहते हैं। हमारी कास्टिंग एजेंसी है डीएम स्टार्स इंडिया के नाम से, और तकरीबन हमें दिल्ली में 13 साल हो चुके हैं। हमने काफ़ी सारी मूवीज़, वेब सीरीज़, टीवी कमर्शियल्स बहुत किए हैं, काफ़ी बड़ी छोटी बड़ी फिल्में करी हैं, और आई थिंक दिल्ली में या बॉम्बे में ऐसा कोई भी शख्स नहीं है जो हमें नहीं जानता। बहुत ही कम लोग होंगे शायद जो नहीं जानते होंगे, लेकिन अदरवाइज़ सब लोग हमें जानते हैं, और स्पेशली बोलूँ 5 साल से लेके 90 साल तक के लोग हमें बहुत अच्छे से जानते हैं। क्योंकि हम लोगों ने दिल्ली में जब अपने काम शुरू किया था तो दिल्ली के अंदर सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम यही थी कि लोगों को पता ही नहीं था कि कास्टिंग क्या होती है और कहाँ पे जाना है, क्या करना। क्योंकि दिल्ली में स्टार्टिंग में काफ़ी सारी कुछ फेक एजेंसीज थी। अब आई डोंट नो, मैं उनको फेक तो नहीं कहूँगा, लेकिन उनका रीज़न यही था कि वो लोग बहुत पैसा चार्ज करते थे, पोर्टफोलियोज वगैरह और ये सब कुछ होता था, आर्टिस्ट कार्ड वगैरह बनाओ। तो हम लोगों ने स्टार्टिंग जर्नी करी, सबसे पहले हम लोगों ने अपना एक मुकाम सेट किया कि हमें ये करना है, और हम लोगों ने धीरे धीरे ऑडिशंस करने स्टार्ट किए। एंड आई थिंक बड़ी खुशी होती है अब ये जान के कि जो आज बड़े छोटे छोटे बच्चे हमारे साथ आया करते थे, वो आज बड़ी बड़ी मूवीज़ और वेब सीरीज़ में काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है देख के, और स्पेशली दिल्ली के अंदर हमने काफ़ी सारे फ्रेशर्स के साथ बहुत काम किया, क्योंकि फ्रेशर्स को खासकर पता ही नहीं होता था कि जाना कहाँ है, किससे मिलना, क्या आना। तो हमने उन्हीं लोगों को टारगेट किया, क्योंकि उसमें काफ़ी अच्छे एक्टर्स भी थे, और आज वो माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत सक्सेस है उनकी लाइफ में और बहुत पैसा भी कमा रहे हैं। तो अच्छा लगता है जान के। और लेकिन जर्नी कभी रुकती नहीं है हमारी, हम लोग अभी भी काफ़ी सारे न्यू कमर्स, न्यू टैलेंट्स को सर्च करते रहते हैं और हमें मिलते भी हैं। नाइस, मिलते भी रहने चाहिए, क्योंकि आप लोग जो हैं वो कई सारे लोगों के सपनों को पूरा कर रहे हैं, है ना जी। क्योंकि आप अपने लिए तो मेहनत करते ही करते हैं, लेकिन अगर आपकी वजह से कोई और ज़्यादा फेमस हो जाए और ज़्यादा पैसे कमा ले या फिर बहुत सारी चीज़ें हो जाए, तो उसमें कोई डाउट नहीं। मैं वो सवाल भी मैं आपसे पूछने वाला हूँ, कौन कौन है और कितनी ब्लेसिंग्स रहती हैं, क्योंकि उसमें कोई डाउट नहीं। जब आप ऊपर पहुँचते हो तो आपको याद रहता है कि जो जिन्होंने ग्राउंड लेवल पर आपको मदद की थी, वो हम लोग हमेशा याद रहते हैं। उससे पहले मुझे ये पूछना है आपसे कि कास्टिंग डायरेक्टर ना एक बहुत अलग फैंसी टर्म तो है ही, लेकिन एज अ प्रोफेशन अगर मैं कहूँ तो बच्चों के माइंडसेट में, अगर मैं स्कूलिंग में हूँ या ग्रेजुएशन में या उस कॉलेज टाइप में हूँ, तो माइंडसेट में नहीं आता है कि मुझे कास्टिंग डायरेक्टर बनना है ना। उनके माइंडसेट में बेशक ही आ सकता है कि मुझे मूवी प्रोड्यूस करनी है या डायरेक्टर बनना है या हीरो या एक्टर बनना है या फिर बाकी अदर प्रोफेशन जैसे इंजीनियर, डॉक्टर, इस टाइप की चीज़ें होती हैं। कास्टिंग डायरेक्टर इज आउट ऑफ द बॉक्स, समथिंग यूनिक। हाउ यू डिसाइडेड कि मुझे कास्टिंग डायरेक्टर बनना है या फिर आप इवेंचुअली खुद ही कास्टिंग में आ गए और कास्टिंग डायरेक्टर बन गए? आई जस्ट वॉन्ट टू नो दिस जर्नी। इट्स अ गुड क्वेश्चन। फ्रेंकली स्पीकिंग, सबसे पहले तो हमारी इंडस्ट्री के अंदर कास्टिंग डायरेक्टर को लेके कोई कोर्स नहीं है, ठीक है, क्योंकि कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जहाँ पे आप कास्टिंग डायरेक्टर, एक्टर बनने का कोर्स है, प्रोड्यूसर बनने का कोर्स है, डायरेक्टर बनने का कोर्स है, मतलब सब चीज़ों का कोर्स है, लेकिन कास्टिंग डायरेक्टर का जहाँ तक मेरी नॉलेज में अभी तक कोई ऐसा कोर्स नहीं है। यहाँ पे कास्टिंग डायरेक्टर बेसिकली फ्रेंकली स्पीकिंग एक्सपीरियंस ही बनता है, ठीक है। तो लेकिन हाँ, आज की डेट में ऐसा नहीं है, काफ़ी सारे लोग अपने आगे कास्टिंग डायरेक्टर लिख देते हैं,
और सच्ची बोलूँ आज तक मैंने कभी कास्टिंग डायरेक्टर वर्ड यूज करने में थोड़ा दर्द भी लगता है, क्योंकि उसका रीज़न बताता हूँ आपको मैं क्या है, क्योंकि मेरा दूर दूर तक इस इंडस्ट्री से कोई लेने देना नहीं था। आई बिलोंग्स टू अ बैंकिंग इंडस्ट्री, मैं बैंकिंग और फाइनेंस इंडस्ट्री से बिलोंग करता था, और लेकिन कहते हैं ना कि हर एक लाइफ में स्टार्टेड योर करियर एज अ फाइनेंस, यस फाइनेंस बैकग्राउंड, और मतलब जॉब भी करी है मैंने, इवन आई वॉज आरजे ऑन ऑल इंडिया रेडियो, तो मैं मतलब महफिल मन भावन करके दो शो आया करते थे, मैं उस पर टाइम निकाल के अपने वो शोज लाइव शोज किया करता था, तो कहीं ना कहीं से वो एक स्टार्टिंग थी जो मन में था कुछ इंडस्ट्री को लेके करने का। तो आपको याद होगा सन 2000 में एक 99-2000 में काफ़ी बड़ा एक डिसीजन आया था इंडिया के अंदर। एक्चुअली मेरी लाइफ ना कभी भी मुझे मैं अपने हिसाब से नहीं मोड़ा हूँ, मुझे हमारी पॉलिसीज़ के हिसाब से, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के हिसाब से अपने आप को चेंज करना पड़ा, और अच्छा किया मैंने चेंज किया। तो तब आई वॉज़ इन टू बैंकिंग सेक्टर, और वहाँ पे रातों रात हमारी कंपनी बंद हो गई। मतलब हम लोग घर आए और घर आने के बाद पता चला पीछे से फ़ोन आता है कि कंपनी क्लोज्ड, ले ऑफ हो गया। सो मतलब बड़ा दुख हुआ यार कि, और उस समय बहुत आम बात हो गई है, लेकिन उस समय पे, और उस समय मेरी अच्छी सैलरी थी, सब कुछ था, और रातों रात एकदम से बंद हो जाना, मतलब समझ नहीं आया कि क्या करें। 6 महीने विदाउट जॉब मैं कनॉट प्लेस की गलियों में घुमा करता था, मुझे अच्छे से याद है, स्कूटर में एक पेट्रोल भराने तक के पैसे नहीं हुआ करते थे, ऐसा सिचुएशन आ चुकी थी, तो समझ नहीं आया था कि क्या करें। तो अचानक से लाइफ में काफ़ी सारे चेंजेस हुए, दोबारा से किसी एक, जैसे आपने पूछा ना लाइफ में काफ़ी सारे लोग होते हैं जो आपकी हेल्प करते हैं, तो ऐसे ही मुझे एक अनजान शख्स ने पीछे से आवाज़ दी कनॉट प्लेस में कि दीपक कहाँ है, तो अरे कहाँ था 3 दिनों से, तो मैंने कहा सर बस ऐसे ही नौकरी ढूंढ रहा हूँ, और जहाँ जाता हूँ तो रिजेक्शन मिलती है, क्योंकि मेरे पास कोई फाइनेंशियल डिग्री नहीं थी, मैं बिलोंग्स करता था फाइनेंशियल सेक्टर में, बट मेरे पास कोई फाइनेंशियल डिग्री नहीं थी, मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैंने मतलब मैं एमबीए नहीं हूँ, लेकिन मैं एमबीएस के ऑडिशन इंटरव्यू किया करता था, तो वो जर्नी थी मेरी, तो और काफ़ी एक्सपीरियंस था, तो उन्होंने मुझे इमिडिएटली एक जॉब ऑफर करी, और फ्रेंकली स्पीकिंग मैं उनके साथ जॉब कर लगा जो मेरे लिए काम करते थे। लाइफ का डाउनफॉल देखिए, ट्रांजिशन वो यहाँ से यहाँ गई थी, कि अब मैं उनके लिए काम करता था जो मेरे लिए काम करते थे। बहुत बुरा था फेस, और आई थिंक बट वही फेस था जहाँ पे मैंने अपने आप को संभाला, और मुझे लगा यार लाइफ तो रुकती नहीं है। कैसे संभालते उस फेस को, मतलब क्या प्रोसेस? क्योंकि उस प्रोसेस में आपको ये देखना पड़ता है कि सिर्फ आप नहीं हैं इस धरती पे, आपके साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी फैमिली के, और आपके साथ में जो भी लोग जुड़े हैं, तो शायद कहीं ना कहीं पे अपनी खुशियों को साइड में रख के उनकी खुशियों के बारे में ज़्यादा सोचना पड़ता है। तो बीइंग एज ए मैन, और मैं घर में सबसे बड़ा हूँ, तो मुझे पहले उनकी फिगर थी कि मैं अपने योग को या अपने अगर इस चीज़ों को लेकर चलूँगा तो शायद देर हो जाएगी, तो मैंने अपनी उम्मीदों को और अपने कहते हैं सपनों को साइड में रख के मैंने वो काम स्टार्ट किया। बहुत अकेलापन फील होता था कभी कभी, ऐसा नहीं है, बहुत दर्द भी होता था, लेकिन धीरे धीरे चेंजेस होने शुरू हुए लाइफ के अंदर। देन आई स्टार्टेड माई ओन कंपनी आफ्टर दैट, फाइनेंस की। तो फाइनेंस की मैंने अपनी एक और इंडस्ट्री स्टार्ट करी, नोएडा में मेरा ऑफिस हुआ करता था, और सही बोलूँ तो क्योंकि मेरे अंदर पैशन था काम करने का, मतलब मुझे, मेरे सच्ची बोलूँ तो मेरे लिए 24 घंटे कम है, मैं 22 घंटे तक भी काम कर सकता हूँ लगातार, आप 48 घंटे तक काम ऐसे करिए मैं कर सकता हूँ अभी भी, बशर्ते टीम अच्छी हो, अकेला नहीं कर सकता, टीम का होना भी बहुत ज़रूरी है, तो बस चाय वाय पीती रहे और अपना काम हो जाता है। तो बट मेरे अंदर पैशन था शुरू से ही कुछ करने का, कुछ काम करने का, कुछ दिखाने का, और शुरू से मुझे आदत थी एक, हाँ मेरे अंदर आपने पूछा ना ऐसा क्या चीज़ थी, तो मुझे शुरू से आदत थी अवार्ड लेने की। तो मैं हाँ कि मैं स्टेज पे जाऊँ, लोग मुझे अवार्ड दे, तो मैं बड़ा खुश होता था इन चीज़ों को देख के, तो बस वही टारगेट मैं लेके चलता था कि मैं इतना काम करूँगा कि स्टेज पे जाके लोग मुझे तारीफ़ करेंगे, मुझे अवार्ड देंगे, तो शुरू से ही था। हेलो, मैं क्लास में फर्स्ट नहीं आता था, लेकिन होता था कि यार नहीं फैशन, एक बार आया था क्लास में फर्स्ट तो बड़ी खुशी हुई थी, और मैंने उसकी खुशियाँ पूरे एक महीने मनाई थी। मैंने आपके ऑफिस में देखा कई सारे ट्रॉफीज और कई सारे मेडल्स, हाँ तो जब आप फर्स्ट आए थे आपको ऐसा कुछ ट्रॉफी या मेडल मिला था? हाँ वो मिला था, लेकिन वो सर्टिफिकेट मिला था एक, वो अभी भी है कहीं पड़ा है, मुझे याद नहीं कहाँ पड़ा है, लेकिन पड़ा है, कई साल पहले की बात है। तो बेसिकली क्या हुआ कि जब धीरे धीरे मैंने अपने काम से अगेन उस इंडस्ट्री में मैंने अपना नाम एक अगेन बहुत अच्छा नाम कमा लिया था, और करीबन 5-6 साल, 6 साल 7 साल वो काम बहुत अच्छा चला, अगेन
फिनिश सेशन आ गया इंडिया के अंदर 2008 तो वो 2008 जब आया तो वो मेरा सब कुछ ले गया, मतलब मेरे हाथों से रेत की तरह, मतलब हाथों में से रेत जैसे निकलती है ना। कितना मुश्किल होता है मतलब, क्योंकि आप फ्रैंकली स्पीकिंग मैं ऑन कैमरा तो आपसे एक्सप्रेशंस और अपनी बातें बताना चाहता हूँ, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं ऑन कैमरा नहीं कर सकता। okay. क्योंकि वो एक फेस आ गया था जहाँ पे मैंने सोचा था अब दुनिया खत्म। आई लॉस्ट अराउंड 2.5 CR इन वन नाइट 2008। अगर यहाँ के इस टाइम के वैल्यूएशन है तो अलग ही लेवल का होगा। तो मैं ऑलमोस्ट सड़क पे आ गया और मेरा खुद का घर और ये सब चीज़ें सब चला गया हाथ से, क्योंकि दो बार ऐसा हो गया था लाइफ में। चलो पहली बार में ये था कि मैं जॉब करता था, लेकिन दूसरी बार में मेरा बिजनेस था। करेक्ट। तो बिजनेस में काफ़ी सारी देनदारी होती है और तो वो मुझे सब उतारनी थी, स्पेशली बैंक्स की जो ऑन गोइंग जो चल रहे होते हैं, लोन्स वगैरह चल रहे होते हैं, सब कुछ होता है। तो वही बैंक वाले जो मेरे ऑफिस बैठ के पार्टीज किया करते थे, वही बैंक वाले कहते हैं कहीं से पैसा ले गया हमें नहीं पता। चेहरे बदलते देखा लोगों को बदलते देखा। मतलब मुझे अच्छे से याद है, एक बैंक का नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन उस बैंक के एम्प्लॉय ने मुझे बोल दिया कि छत से कूद जाओ, हम आपके इंश्योरेंस से पैसा ले लेंगे। सो मुझे लगा कि यार इंसानियत की वैल्यू ही नहीं है, और आई थिंक जिस पे जितना भरोसा करो वही इंसान उतना दर्द देता है। और मैंने बहुत से कन्यादान किए हैं अपनी लाइफ में, तो उन लोगों ने भी मेरा फ़ोन उठाने बंद कर दिया। मैंने बहुत से लोगों की जाने अनजाने हेल्प करी थी, उन लोगों ने फ़ोन अपने स्विच ऑफ कर दिए थे। इवन रिलेटिव्स ने फ़ोन अपने बंद कर दिए थे, तो उनका लगा था उसका तो हर बार का डंटा है, मतलब वो मैंने देखे हैं जख्म और बहुत नज़दीक से देखे हैं। फैमिली में भी डिस्प्यूट हुआ, पर्सनल थी चीज़ें कुछ हुई जो बहुत ख़राब हो गई, तो ऑलमोस्ट मैं अकेला हो गया। मतलब मुझे एक डार्क एक सर्कल भी दिखता नहीं था, मतलब ये हो गया था अंधेरा। कहते हैं ना कि अंधेरा होने पे परछाई भी साथ छोड़ जाती है, हम तो फिर भी इंसान हैं, तो वो परछाई ने भी साथ ही छोड़ दिया था ऑलमोस्ट। और आई थॉट कि मैं किसी पुल से कूद जाऊँ, तो बट कर नहीं पाया फिर, क्योंकि मेरे पीछे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। मुझे याद आया कि तेरे साथ साथ कुछ तो हैं जो लोग तेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो ये तुमको ख्याल रखना ही पड़ेगा। शायद मेरी सेल्फिश नहीं थी, आप सोचोगे यार तो हर बेटा ऐसा सोचता है, हर सोचता है, लेकिन मुझे लगा नहीं यार ये शायद गलत होगा, क्योंकि कोई बात नहीं फिर खड़े होते हैं, फिर कुछ करते हैं। ये हिम्मत कैसे आती है? मुझे जहाँ तक ख्याल है कि मेरे अंदर तो हिम्मत ना इन बॉर्न ही है। अच्छा। क्योंकि मैंने अपने फादर को भी देखा है कि उन्होंने हमें बहुत कम सैलरी में पाला था, हमारे पास कोई बहुत पुरानी जायदाद थी या कुछ ऐसा नहीं था, रेंटल इनकम जिससे हम बहुत अमीरों वाले शौक पालते हैं। लेकिन मुझे याद है कि मेरे फादर की एक मिनिमम सैलरी के अंदर हम लोगों ने गुजारा किया, हम तीन भाई बहन। तो वो स्ट्रगल मैंने अपने फादर को देख के मुझे बहुत अच्छा लगता था, सीखता था, क्योंकि वो सुबह निकलते थे 8 बजे और रात को आते थे 8 बजे। वो 24 साल उन्होंने यही किया। तो आपको मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर इन केस अगर बच्चा स्टार्टिंग के स्ट्रगलिंग डेज देख ले, हाँ, तो उसको ये पता होता है कि स्ट्रगलिंग डेज की वैल्यू क्या है, उसमें कैसे सरवाइव करना है। एक्चुअल में स्ट्रगलिंग डेज देखना जरूरी नहीं है, उसकी अहमियत को पहचान। अब अगर आप किसी बड़े अमीर बच्चे को बोलोगे तो वो तो नहीं करेगा ना स्ट्रगलिंग डेज सी। एग्जैक्टली। लेकिन इतना जरूर है कि आज की डेट में जो हमारी मोरल वैल्यूज़ हैं, अगर आप उनको संभाल के रखें और हम अपने बच्चों को ये सिखाएं कि हम लोग इंडिया में रहते हैं खासकर, और जहाँ पे मोरल वैल्यूज़ का और फैमिली का बहुत बड़ा योगदान होता है, जॉइंट फैमिली का बहुत बड़ा योगदान होता है, तो वो मोरल वैल्यूज़ अपने पेरेंट्स को आजकल सिखाना बहुत ज़रूरी है। अक्सर कहीं ना कहीं पे आज के ज़माने में जहाँ पे इंटरनेट है, इंस्टाग्राम, फेसबुक है, हम लोग अपनी वैल्यूज़ खोते जा रहे हैं। हम लोगों ने भी अपने पार्क में लुका छिपी और ये सब खेला है, हमें आइस पाइस खेला, लेकिन आजकल के पेरेंट्स अपने बच्चों को जाने नहीं देते पार्क। तो वो हिम्मत की बात करोगे तो हिम्मत मुझे ये आई थी कि यार जीना तो पड़ेगा भाई, अगर आप इस दुनिया में आए हैं तो जीना तो पड़ेगा ही, है ना। अब चाहे जैसे मर्जी जीना पड़े, या तो आप हंस के जी लो या रो के जी लो, दो ही ऑप्शन हो सकते हैं, या आप गिव अप कर लो। तो ये उतार चढ़ाव बहुत आए मेरी लाइफ में। इनफैक्ट मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ तो अभी भी मेरी लाइफ में बहुत कुछ उथल पुथल चल रही है, है ना, बट स्टिल आई एम टॉकिंग टू यू, है ना। तो लेकिन ये ज़रूर है कि मैंने लाइफ को फेस करना सीखा है कई बार, और वो शायद एक्सपीरियंस मेरे पास है। तो लेकिन मैं नहीं चाहता कि यार बार बार वो लाइफ में किसी के साथ भी हो, चीज़ें हो, सब कुछ हो फिलहाल। तो वो मैंने जब 2008 में वो देखा और मुझे लगा कि यार अब तो सच्ची बोलूँ, सबसे पहले तो मेरा
फाइनेंस इंडस्ट्री से मन उठ गया। मैं कहा बहुत हो गया, मैं कहा अब नहीं कर सकता मैं ये चीज़ें। तो उन्हीं दिनों पे लेकिन क्या था कि फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे हीरो बनने का बहुत सवार था। ओके। और मैं फ्रैंकली स्पीकिंग और मेरे पास पैसा भी था। कैसे आया? मतलब ऐसे कोई एक्टर वो ना हमारा ना एक हमारा एक ग्रुप हुआ करता था जब हम लोग थे कॉलेज में। तो हमारा एक चिल्ड्रन ग्रुप के नाम से ग्रुप हुआ करता था, नेहरू चिल्ड्रन क्लब के नाम से। और वहाँ पे हम लोग ना मतलब ईयरली फंक्शन किया करते थे मिलके स्टेज पे ना, और ये सब किया करते थे। तो कोई कुछ बनता था, कोई कुछ बनता था। मुझे अच्छे से याद है कि मैंने एक्ट किया था मेरा नाम जोकर के ऊपर, वो पैंट पहना के चौड़ी सी और वो सब कुछ करके जोकर बना के। तो कहीं ना कहीं से ना वो स्टेज का मुझे था कीड़ा। और सच्ची बोलूँ तो मैं एक टाइम था जब मैं ना रामला भी किया करता था। अच्छा। मैं राम बनता था तकरीबन 4 साल। और उसके अलावा मैं शरण कुमार बना करता था। और मुझे अच्छे से याद है कि मम्मी राम देखने तो आती थी लेकिन शरण कुमार का देखने नहीं आती थी। वो कहती थी कि मैं तो ये मरता हुआ नहीं देख सकती स्टेज पे। तो वो एक फीलिंग थी। तो शुरू से एक वो कीड़ा था मतलब एक्टिंग करने का कहीं ना कहीं पर। और बहुत अच्छा किया मैंने कि राम के और ये सब कुछ किए। तो वहाँ पे मुझे स्टेज का फेयर दूर हो गया था ना, और बहुत तालियां बजती थी, बहुत सब कुछ होता था। एक बार मुझे ऐसे याद है कि रावण कहता मैं नहीं मरूंगा, मैंने कहा मर जा, कह रहा इन्होंने मेरे पैसे नहीं दिए, मैं नहीं मर रहा। तो बहुत अच्छी यादें हैं उस रामलीला की भी। और जहाँ पे मुझे मतलब बहुत फ़ायदा हुआ इन चीज़ों को लेके कि जहाँ पे मुझे स्टेज के सामने जो मेरा फेयर था वो दूर हो चुका था। मेरी वॉइस शुरू से थोड़ी सी अच्छी थी, लोग कहते थे कि यार तेरी वॉइस अच्छी है, इसका यूज़ करना शुरू कर। तो धीरे धीरे मैं कुछ ना कुछ हरकतें करता रहता था घर के अंदर ही। तो जब 2008 में आया तो मुझे लगा कि यार अब क्या करूँ मैं। लेकिन हाँ, जब मेरे पास 2003 से लेके मुझे अच्छे से याद है, और इवन उससे पहले भी, और 2008 तक मैं घर से निकलता था और हवाई जहाज पकड़ के बॉम्बे जाता था और ऑडिशन देके वापस आ जाता था। अच्छा। तो घर वालों को लगता था ये तो ऑफिस गया है। तो मैं कहता था ऑफिस नहीं गया, मैं तो ऑडिशन देके वापस भी आ गया। तो हाँ हुआ, लेकिन बताऊँगा नहीं कब हुआ। तो नहीं, तब नॉट फिट की रिजेक्शन बहुत मिलती थी, क्योंकि तब आइडिया नहीं था ना कि कहाँ जाना है। हमें दो चीज़ नाम याद थी, यशराज फिल्म, बस यही याद था। गए यशराज के पास, गए, उन्होंने कहा नॉट फिट, भग जाओ यहाँ से। अच्छा, वो बस ऐसे लुक देखते और मतलब वो बॉडी होनी चाहिए ऐसा मतलब? हाँ, एक प्रेजेंस होनी चाहिए जो नहीं। अच्छा। थी मेरे अंदर नहीं थी वो चीज़, फ्रैंकली स्पीकिंग। मैं भी एक सिंपल सा लड़का हुआ करता था जैसे होते हैं ऑफिस गाय टाइप जो होता है ना। पैंट शर्ट पहन के, टाई लगा के, कोट पहन के। मुझे अच्छे याद है मैं यशराज गया था तो मैं बकायदा कोट वोट पहन के गया था, टाई वाई लगा के गया था। तो उन्होंने कहा किससे मिला, मैंने कहा यशराज से। तो नॉलेज नहीं थी, नॉलेज की कमी थी। तो मैं यही कहना चाहता हूँ आज की डेट में इंडस्ट्री में, अगर आप आते हैं कभी भी ना, तो एटलीस्ट अपनी नॉलेज लेके जरूर आए। एक बहुत बड़ा पॉइंट है, अक्सर हमारी इंडस्ट्री में लोग बिना नॉलेज के आते हैं और धक्के खाते हैं और नॉट फिट का बोर्ड लगा के वापस हो जाते हैं। तो ये चीज़ मैं सभी से कहना चाहूँगा कि एटलीस्ट इंडस्ट्री के अंदर नॉलेज गेन करके ही इंडस्ट्री में आए। वो कैसे आए वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो फिर उसके बाद हुआ क्या कि जब मुझे लगा कि यार ऐसा तो काम नहीं बनेगा है ना, कुछ होगा ही नहीं, तो अचानक से मेरा एक कज़न आया तो जिसको मॉडलिंग करनी थी। तो बस उसी के साथ साथ मैं उसको लेके घूमता रहता था दिल्ली में। तो मेरी धीरे धीरे ना लोगों से पहचान होनी शुरू हो गई थी इंडस्ट्री के लोगों से। तो खैर वो बाद में तो उसने मॉडलिंग नहीं करी, वो शादी करके चला गया, लेकिन उसके थ्रू मेरी काफ़ी सारे लिंक्स क्रिएट हो गए इंडस्ट्री के अंदर। तो वहाँ से शायद आप कह सकते हैं कि मेरी पहली जर्नी कहीं ना कहीं पर इंडस्ट्री में शुरू हुई। मैंने स्ट्रगल किया, बॉम्बे पे भी गया, 6-6 महीने रहा मैं, ऐसा नहीं है बीच में, और वो एक अलग जर्नी है, अलग एक स्टोरी लाइन है। मैंने भी बड़ा पाव खाया है, मैं भी 4 1 कमरे के 10 बाय 10 कमरे में 6 आर्टिस्ट के साथ मैंने भी दिन गुजारे हैं है ना, और टाइमलाइन देखा है। और फिर 2008 से जब काम बंद हुआ तो मुझे लगा कि यार अब तो सब कुछ खत्म है, अब मैं इस इंडस्ट्री में नहीं आऊँगा। और मैं फिर मेरे सामने बस वही एक हीरो बनने वाला भूत सवार हो गया, चलो अब ट्राई करते हैं। क्योंकि उस टाइम पे क्या था, कुछ काफ़ी सारे नए नए आर्टिस्ट इंडस्ट्री में आ रहे थे और हम लोग देखते रहते थे। तो मैं भी चला गया बॉम्बे, फिर सीधा अपने घर वालों को बोला मैं बॉम्बे जा रहा हूँ, बहुत हो गया। बस शुरू से फिर स्टार्टिंग करी, फिर लोगों से मिलना जरूर शुरू किया, ऐड भी किया जिसमें वो जोड़ों में दर्द वाला होता है। अच्छा, okay. तो पता नहीं रिलीज नहीं हुआ, अच्छा हुआ नहीं हुआ। तो लेकिन ये है कि वो मार्केट धीरे धीरे मुझे समझ में आनी शुरू हो गई थी कि यार चांस है, कुछ कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे पास कोई थिएटर बैकग्राउंड नहीं था। अगेन आई एम सेइंग कि आपके पास कोई थिएटर बैकग्राउंड नहीं था, नॉलेज नहीं थी, अब बस अब लाइन में जाकर खड़े हो गए। और एक्चुअल में आज भी अक्सर यही होता है कि लोग सीधे लाइन में आके खड़े हो जाते हैं हीरो बनने के लिए।
तो वो जो गलती मैंने करी आप लोग मत कीजिएगा। अगर शायद मेरे पास कोई उस समय कुछ एक्सपीरियंस होता तो शायद आज मैं आपके सामने कास्टिंग डायरेक्टर ना होकर शायद हीरो की तरह बैठा होता। तो 2008 में जब मैं बॉम्बे चला गया तो बॉम्बे जाने के बाद मैंने भी काफ़ी सारे ऑडिशंस दिए, काफ़ी सारे लुक टेस्ट, स्क्रीन टेस्ट, ये बड़ी बड़ी स्क्रिप्ट आ जाती थी। तो लेकिन तब मेरे पास ना एक्चुअली में थोड़ा सा अपना रामला वाला बैकग्राउंड था, तो मुझे स्क्रिप्ट याद हो जाती थी, सब कुछ हो जाता था, मैं काफ़ी लंबे लंबे डायलॉग बोल लिया करता था, आँखें भी ठीक थी, चश्मा वश्मा नहीं लगा हुआ था। तो कुछ लोगों ने मेरे से पूछना शुरू किया, एक मुझे याद है एक पंखुड़ी करके एक मैडम हुआ करती थी, तो उन्होंने मेरे से पहली बार एक क्वेश्चन किया, तो आर यू फ्रॉम थिएटर बैकग्राउंड? मैं कहा नो। अच्छा उठ जाओ, मुझे शायद नहीं लगाया मुझे सच बोलना, मैं झूठ बोलना चाहिए था। तो बट अब जो तलवार कहते हैं तीर तो निकल चुका था कमान से, तो कुछ नहीं कर सकते थे। तो खैर चीज़ें हुई, थोड़ा बड़ा काम किया है ना, कुछ शॉर्ट फिल्म्स वगैरह करी, कुछ किया। तो 2011-10 तक मैं बॉम्बे में था, 2 साल मैंने गुजारे। तो अचानक से बीच में कुछ फैमिली चीज़ें ऐसी हुई कि मुझे वापस दिल्ली आना पड़ा, पैसे भी ख़त्म हो रहे थे, थे ही नहीं पैसे पहले एक्चुअली सच्ची बोलूँ तो, क्योंकि सब लॉस हो चुका था। बहुत समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना क्या नहीं करना, बट शायद वही इमोशंस थे जो मुझे वापस ले आए फैमिली के, तो मैं रुक गया। मैं फिर उसी अंधेरे में चला गया कि क्या करूं। और अक्सर यही होता है जो लोग बॉम्बे से वापस आते हैं स्ट्रगल करके, तो दिल्ली में आके कहीं ना कहीं खो जाते हैं। और मैं यही बोलूंगा कि या तो दिल्ली मत आओ, बॉम्बे रहो, क्योंकि उस टाइम पे बॉम्बे इंडस्ट्री काफ़ी बड़ी थी है ना, और दिल्ली इंडस्ट्री में कुछ था नहीं, सिर्फ मॉडलिंग थी, फैशन शोज वगैरह हुआ करते थे, प्रिंट शूट्स हुआ करते थे। लेकिन जब मेरी कुछ मुलाकात लोगों से हो गई थी, तो ऐसे ही हम लोग मिलते रहा करते थे बीच बीच में कभी भी, तो अचानक से मेरे पास एक मूवी का एक फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे एक मूवी है, हम लोग दिल्ली आ रहे हैं, तो क्या आप करोगे वो मूवी? मैं कहा एज एन एक्टर। कह रहे नहीं नहीं नहीं, हमें एक्टर्स चाहिए। तो मैंने कहा यार मैं तो ऐसे इतना जानता नहीं हूँ एक्टर्स के बारे में। नहीं नहीं आप बॉम्बे आए थे, हम आपसे मिले भी थे, ये थे। मैंने कहा अच्छा, तो मैं ठीक है। और वो तब तक मैं ना थोड़ा बहुत फैशन इंडस्ट्री में मैंने काम करना शुरू कर दिया था। मेरे कुछ दोस्त यार हैं जिनके लिए मैं कुछ मॉडल्स वगैरह प्रोवाइड करता था, उनके प्रिंट्स वगैरह करने के लिए। लेकिन एक वहाँ वर्ड यूज होता था कोऑर्डिनेटर, वो कोऑर्डिनेटर वर्ड ना मुझे बड़ा चुपता था, मुझे आज भी चुपता, ऐसी बात नहीं है। तो ना मतलब सी आई एम सॉरी टू से, मैं कोई कोऑर्डिनेटर वर्ड्स के खिलाफ नहीं है, लेकिन वो ना कोऑर्डिनेटर वर्ड ना लगता था कि यार ये तो एक एवी है, मतलब ठीक है, कोई पहचान नहीं है। एग्जैक्टली मीडिएटर है ना, या एक हिंदी का वर्ड है सॉरी टू से वर्ड, एक दलाल मतलब जिसको बोलते हैं, तो वो बड़ा गंदा वर्ड लगता है, लेकिन वो मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो मुझे लगा नहीं यार गलत है ये चीज़ें ना, शायद गलत, मैं गलत दिशा में जा रहा हूँ, जो मैं हूँ, जो मैं करना चाहता हूँ वो नहीं कर पा रहा। तो अचानक से वहाँ से फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि हम लोग दिल्ली में ऑडिशन के आ रहे हैं, हमें फ़िल्म करनी है और आप कुछ एक्टर्स अरेंज कर सकते हैं। मैंने कहा ठीक है। और उस समय टच पैड वाले फ़ोन हुआ करते थे है ना, मैसेजेस वाले, व्हाट्सअप वगैरह नहीं, कीपैड वाले। तो मैंने घूमना शुरू किया दिल्ली में, बड़ा घूमा सब जगह पर, और मैंने एक अपना 200-300 लोगों का डेटा बेस, 200-300 लोगों का बिग नंबर मैंने उसी समय बना लिया, जा जाके लोगों से मिलके, नेटवर्क मार्केटिंग जिसे कहते हैं, क्योंकि मुझे था फाइनेंस की आदत थी, मुझे पता था कि कैसे होती है मार्केटिंग। सो मैंने वो सारा अपना वो टेक्नोलॉजी अपनी यूज़ करी उसी तरीके से अपना, और मैंने नंबर सेव करने शुरू कर दिए। और जैसे वो लोग दिल्ली आए मैंने सबको ऑडिशन करने स्टार्ट। अच्छा तब मुझे भी नहीं पता था कि ऑडिशन कैसे कनेक्ट करेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। सर वो काफ़ी बड़ा प्रोडक्शन हाउस था, और उन्होंने जब दिल्ली में वो 3 दिन के लिए आए थे, वो 7 दिन रुके, क्योंकि आपने 300 लोग इकट्ठे कर दिए। नहीं 4,000 लोग आ गए थे। 4,000? ओह, 300 से 4,000 का ट्रांजिशन कैसे हुआ? ये ऐसा हुआ कि वर्ड ऑफ माउथ बात फैलती चली गई कि पहली बार दिल्ली में इतना बड़ी कोई मूवी आ रही है जिसका ओपन ऑडिशन हो रहा है। उससे पहले भी ओपन ऑडिशन हुए होंगे, पर इतने इस बड़े लेवल पे शायद नहीं हुए होंगे। और ये कौन से सन की बात है? ये मेरे ख्याल से 2011-12 की बात है। और मतलब मंडी हाउस ने मुझे ब्लॉक कर दिया था, कहते पागल आदमी है कौन है ये। तो और तब लोग मेरे बड़े खिलाफ भी हो गए थे। अच्छा। कि ये कौन है, कहाँ से आ गया, क्या है ये, अचानक से एक उभर के आ गया आदमी जिसको लोग जानते नहीं है। मैंने कहा ठीक है लगे रहो, मेरे खिलाफ बड़ी लोगों ने कुछ बातें शुरू करने की, ये पैसे लेता है, ये करता है, वो करता है। मैं लगा रहा मैं कोई बात नहीं, लगे रहो।
मैं लगा रहा और फाइनली ऑडिशन सक्सेस हुआ. काफ़ी लोग हमारे यहाँ से आर्टिस्ट सिलेक्ट हुए और तो जब मैंने उनको पर्दे पे देखा तो मुझे लगा यार यही काम बेटर है. हाँ. कर लो. हाँ. क्योंकि मुझे फिर वो 25% वाला कमीशन भी आ गया. अच्छा. मैंने कहा ये सही है. अच्छा, मतलब लाइट सब जो कि अगर 100 रुपये आपको कंपनी दे रही है तो आपको 75 एक्टर को देने हैं 25. हाँ, बाकी सबका अलग अलग होता है. 15% भी होता है, 10% अच्छा. भी होता है, 25% भी होता है. तो वो ऑटोमेटिक एग्रीमेंट बना था तो उस एग्रीमेंट के हिसाब से आ गए थे. और मुझे अच्छे से याद है कि जिस दिन मेरे पास वो पहला चेक आया था, मतलब पेमेंट आई थी, तो मेरी जेब में सिर्फ 100 रुपये थे उस दिन. ओके. तो मुझे ये नहीं पता था कि मैं रात का खाना कैसे खाऊंगा. तो मैंने वो दिन देखे हैं कि वो 120 रुपये की थाली खाना खाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हुआ करते थे. जबकि मैं इतनी बड़ी फाइनेंस कंपनी में भी काम कर चुका था, अपना बिजनेस भी चला चुका था, 5-5 गाड़ियाँ हुआ करती थी मेरे पास, अप एंड डाउन लाइफ के हो रहे थे बार बार ऐसे ऐसे ग्राफ. मैं बड़ा खुश हुआ. मैंने कहा आज जीवन खाना खाइए. खाया, चीज़ें चेंज होनी शुरू हुई धीरे धीरे. लोगों को मेरी सिंपलिसिटी पसंद आने लगी. मैं जिस तरीके से उनसे बात करता था, अपनापन महसूस होता था उन लोगों को. 10x10 का कैमरा, वो बल्ब लेके मैंने ऑडिशंस करने स्टार्ट किए धीरे धीरे. मैंने ऑनलाइन गूगल पे जाके मतलब धीरे धीरे चीज़ें सर्च करनी स्टार्ट करी कि कौन लोग हैं इंडस्ट्री में, क्या है अपनी नॉलेज. तो मैंने तकरीबन 6 महीने दिए अपने आप को. उस 6 महीने मैंने काफ़ी ज़्यादा अपनी नेटवर्किंग को इंक्रीज़ किया, पहचानना शुरू किया लोगों को, बात करना शुरू किया, मैसेजेस करने शुरू किए. फिर मेरे पास धीरे धीरे काम आना ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो गया. क्योंकि अगर आप एक अच्छा काम करते हैं तो वो बात 10 जगह फैलती जरूर है. और बॉम्बे इंडस्ट्री के अंदर वो बात फैल गई कि दिल्ली में कोई लड़का है जो काम कर रहा है और अच्छा काम कर रहा है. तो करते करते फिर मेरे साथ लोग जुड़ने शुरू हुए, एसोसिएशन बढ़ी और कारवा बढ़ता चला गया. तो बहुत सारे अप एंड डाउन तब भी देखने के मिलते थे, ऐसा नहीं है लाइफ में. और फिर हाँ, 2017 में ही आ गया था काफ़ी बड़ा एक झटका मुझे लगा था लाइफ का. और 2016-17 की बात है. और हम लोग दंगल फिल्म कर रहे थे. दंगल फिल्म कर रहे थे जो छोटी बच्ची है सुहानी भटनागर को हमने कास्ट किया था. गीता बबीता जो छोटी बच्ची है वो हमने कास्ट की थी. 3000 बसे आते, वो 3000 बच्चे आते थे ऑडिशन देने के लिए. वो एक वो दौर अलग था क्योंकि उस समय लोग ना ऑनलाइन ऑडिशन नहीं दिया करते थे, लोग जाके मिला करते थे लोगों से. अब तो वो आपका आ गया घर से ही रिकॉर्ड करके भेज दो ऑडिशन. अच्छा. उस समय ये कुछ जोन नहीं था उस समय पे. तो बस मुझे अच्छे से याद है कि दंगल फिल्म की शूटिंग चल रही थी और बड़ा क्लाइमेक्स शूट चलना था. अचानक से एक फ़ोन की घंटी बजी जिसने मेरा पूरी लाइफ चेंज कर दी. और मेरे ऑफिस में बहुत भीड़ थी उस दिन. और उसमें आया कि मेरी डॉटर की डेथ हो गई. वो 12 साल की थी और मुझे एक ही बच्चा था मेरा. तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं. तो ख़त्म, फिर ज़िंदगी ख़त्म. और दो मेरे साथ नहीं रहा करती थी, हमारे साथ पहले सेपरेशन हो गया था. तो मैं कुछ समझ ही नहीं पाया. गए उधर, मूवी का प्रेशर था बहुत तगड़ा. और सच ही बोलूँ तो उस समय मेरी लोग का बहुत उम्मीदी थी मेरे ऊपर. तो मैं ठीक है, शमशान घाट गए, सब कुछ किया. रात को आया 12:30 बजे मैं वापस में और अगले दिन 4 बजे सेट पे. मैंने बताया नहीं किसी को मेरे साथ क्या हुआ. बस मेरे कुछ खास लोग थे जिनको पता था, तो बाकी मैंने सबको मना कर दिया था किसी कुछ कहने की जरूरत नहीं है. तो वो दिन भी देखा मैंने. भगवान ना करे कभी किसी की लाइफ में इतने सारे अप एंड डाउन आए और लोग टूट जाए या थक जाए. पता नहीं मैं कैसे जिंदा रहा, पता नहीं मैं किस मिट्टी का बनाऊँ, मुझे खुद नहीं समझ में आया. उस साल 98 से 2017 तक यू टोल्ड मी 4 इंसिडेंट जिसमें आप टूट चुके हो. टूट चुका था मैं. हाँ, 4 बार दोबारा से. खैर दोबारा से क्या, ऑलरेडी सेटअप तो था ही. खैर बस ये था खुद, अब इस बार खुद को संभालना था. क्योंकि कहते हैं कि बिजनेस लॉस से बड़ा औलाद का लॉस होता है खोने का, और औलाद खोने का लॉस से बड़ा कोई लॉस नहीं है. तो लेकिन फिर मैं ना ठीक है, मैं कब भागने जा रहा. अब मेरा ना फिर विश्वास टूट गया
सबसे पहले उस भगवान से जिसके ऊपर बहुत विश्वास किया करता था कि यार बहुत हो गया। क्या हुआ था आपके डॉक्टर? एक्सीडेंट हो गया था एक। तो मैं खुद भगवान राम बनता था तो मैं उसी राम के खिलाफ हो गया कि मैंने राम बनने की बहुत कोशिश करी लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ, बस वनवास ही मिला। तो उस वनवास से मैं तंग आ चुका था कि वाई मी, हर 5 साल बाद तो मेरी सरकार बदल देते हो यार। तो बहुत ही कुछ लोगों को लगता था कि मैं शायद मजाक करता हूँ या ये करता हूँ वो करता हूँ, लेकिन एंड आई एम द पर्सन जो सिगरेट शराब वगैरह कुछ नहीं पिया करता था। तो चीज़ें ना चेंज होनी शुरू हुई। खैर धीरे धीरे लोगों ने संभाला कि कोई बात नहीं, लाइफ में अप एंड डाउन होते रहते हैं, चीज़ें काफ़ी लोगों ने साथ दिया, कुछ ने मतलब निकालने के लिए और कुछ ने दिल से साथ दिया। दिल से साथ में देने में मेरे स्टार्टिंग के मेरे कुछ कलीग हुआ करते थे जिनको मैंने हायर किया था, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। मतलब डीएम स्टार्स के इनिशियल मेंबर्स जो थे उनकी वजह से ही कंपनी में हमारा बहुत काम हुआ। मेहनत थी उनकी, मैंने कहा था ऐसा टीम वर्क, अकेला आदमी नहीं कुछ कर सकता। तो काफ़ी सारे मेरे एम्प्लॉयज़ थे जिन्होंने स्टार्टिंग में मेरे पिलर्स जिनको मैं बोलता हूँ, तो उन्होंने बहुत हेल्प करी, मुझे भी संभाला है ना। और फिर मैं भूल गया, भूला तो नहीं हाँ, लेकिन आंसू सूख गए, आंसू आने बंद हो गए। कुछ भी हो जाता था आंसू नहीं आते थे, अकेले में आते थे, किसी के सामने नहीं आते थे। तो वही चीज़ें ना, मैं ना और स्पेशल दिल्ली में ना बच्चों में बड़ा मशहूर हूँ, हमारे यहाँ से काफ़ी सारे छोटे छोटे बच्चों ने किए। और बच्चों का कहते हैं ना, भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं तुझे एक बच्चा ले लिया तो ये कई सारे बच्चे दे रहा हूँ। तो इतने सारे बच्चे मेरे साथ अभी भी आते हैं, बच्चे बहुत प्यार करते हैं है ना। अभी आप देखोगे तो आप किसी भी बच्चे को उठा लो वो मुझे जानता होगा और बहुत अच्छे तरीके से मेरे से मिलते हैं, प्यार करते हैं। तो मैं कहीं ना कहीं पर अपने उन्हें ही देखता हूँ। तो इसलिए ना मुझे उनसे चीटिंग करना या फालतू पैसे लेना पेरेंट्स से या सब कुछ करना का मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि वो बच्चे भी चाह रहे स्क्रीन पे आना चाहते हैं, मतलब बच्चे तो रहना चाहते हैं, माँ बाप चाहते हैं स्क्रीन पे आना, बच्चों को लेके आना। लेकिन ये जरूर था कि बच्चों के साथ हमारी अच्छी जर्नी अच्छी पटती है, तो बच्चों ने बहुत काम किया हमारे साथ। तो काफ़ी सारे टीवी कमर्शल्स किए, काफ़ी कुछ किया। एक फिश शो आता था एक कुल्फी कुमार बाजे वाला, तो वो लड़की बड़ी फेमस हुई है, आपके पीछे लगा हुआ पोस्टर उसके पर लड़का, तो ये लड़की गाजियाबाद थी और आप तो खैर स्टार हो गई है, ये बहुत बड़ी हो गई है, तो उन्होंने बॉम्बे में अपना फ्लैट भी खरीद दिया है। तो ये लड़की हाँ हाँ बात होती है, बहुत प्यारी बच्ची है आकृति शर्मा, बहुत अच्छी है। तो बाई चांस है हो गए, बच्चे तो बहुत सारे आते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन वो एक लक था। तो एक गंगा का रोल भी किया इसने, कुल्फी कुमार बाजे वाला शो करीबन 2.5 साल चला शो, एंड शी इज़ अ लीड। तो अब तो खैर बड़ी हो गई है ये, तो अभी बात होती है, कभी कभी बात होती है इंस्टाग्राम वगैरह पर बात होती है। तो कहने का मतलब सिंपल सा मैं यही कहना चाहूँगा कि लाइफ में अप एंड डाउन्स हर एक की लाइफ में आते हैं, शायद मेरी स्टोरी अलग थी। अभी भी आपकी लाइफ में कुछ अप एंड डाउन चल रहे हैं? अभी भी चल रहे हैं। तो कहते हैं कहानी ही अलग होती है लेकिन किरदार तो हमारे, अब कुछ कहते हैं किरदार बदलते हैं कहानी बदल, कहानी सेम होती है। मैं कहूँगा यहाँ तो कहानी और किरदार दोनों में समझ में नहीं आता कि कौन सी सही चल रही है। कभी कभी इंसान बदल जाते हैं मेरे साथ, कभी कहानी का रुख बदल जाता है। I see your recently one video on Instagram in which you are saying something or producers and yes. एक बहुत ही कड़वा सच है इस इंडस्ट्री का, यहाँ पे सब काम कराना चाहते हैं और काम करने के बाद बोलते हैं टाटा बाय बाय। अच्छा, जब खासकर पैसे देने की बारी आती है तो देखिए हर चीज़ ना पैसे से ही चलती है, मानो चाहे ना मानो। आप या तो आप बिल्कुल ही बेशरम होकर गुरुद्वारे के या मंदिर के बाहर बैठ के अपना वही वेट करते रहो कोई आपको खाना खिलाएगा, या अपने हक के लिए लड़ना स्टार्ट करो। और इस इंडस्ट्री के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो अपने हक के लिए लड़ता है ना, लोग उसको ब्लैकलिस्ट कर देते हैं। तो मेरे साथ भी हुआ, हाँ हुआ ना,
एक बार मुझे काफ़ी सारे एक मैं नाम नहीं ले सकता उनका, लेकिन काफ़ी बड़े डायरेक्टर हैं इंडस्ट्री के, उन्होंने सेट पे मेरे एक एम्प्लॉय को थप्पड़ मार दिया था। क्यों? अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल, हमारा आर्टिस्ट थोड़ा लेट हो गया, सब कुछ हो गया, तो उन्होंने थप्पड़ मार दिया। अगर यही उन्होंने अपने किसी एडी को मारा होता तो वो एडी संभव बता देता इनको, इनको लगा डीएम स्टार दिल्ली का कोई है, इसके आर्टिस्ट आए हुए हैं, उन्होंने सारी भड़ास हमारे एम्प्लॉय जो गया हुआ था कोऑर्डिनेशन करने उसके ऊपर निकाल दी। मैं फैल गया, मैं कहा अभी चाहिए मुझे पूरी पेमेंट, तब अपने आर्टिस्ट आगे के भेजूंगा सेट पर। और ऐसा एक दो बार पहले भी हुआ, और तो मैं करता नहीं ये चीज़ें, लेकिन जब चीज़ें बढ़ जाती हैं हद से ज़्यादा, आप जो बात करनी है मेरे से कीजिए ना, आई एम द ऑनर, आपको कोई तकलीफ है मेरे से बात कीजिए, आप मेरे एम्प्लॉय के साथ बदतमीजी कैसे कर सकते हैं, इवन आप एक्टर के साथ बदतमीजी कैसे कर सकते हैं। तो बस इन्हीं चीज़ों को जब मैं लड़ता हूँ ना, तो बॉम्बे से फ़ोन आ गए, सब कुछ हो गया, हम तुम्हें ब्लैकलिस्ट कर दे, मैं कर दो, मेरे साथ पूरी जनता खड़ी है, सारे आर्टिस्ट खड़े हैं, देखता हूँ तुम कितना ब्लैकलिस्ट करते हो। तो यही हुआ, बाद में फाइनली उन्हें अनब्लॉक करना पड़ा मुझे। और अभी रिसेंटली क्या हुआ? रिसेंटली ये हुआ है कि सर दिल्ली मार्केट और बॉम्बे मार्केट के अंदर ना एक चलन आ गया है पेमेंट रोकने का। अच्छा। आप काम करते हैं एज एन एक्टर, आप जाते हैं सेट पे, चाहे वो आप 1000 रुपये वाले हों चाहे आप 1 लाख वाले एक्टर हों, और दिल्ली बॉम्बे का ना इन्होंने क्या कर दिया है, डाइवर्जन कर दिया है कि बॉम्बे में तो बहुत अच्छे एक्टर मिलेंगे, दिल्ली में सिर्फ फीचर कास्ट या क्राउडिंग मिलेगा, साइड एक्टर्स मिलेंगे, जबकि ऐसा नहीं है। जितने बॉम्बे में एक्टर बैठे हैं वो दिल्ली से ही गए हैं, नॉर्थ इंडिया से ही मोस्टली एक्टर्स गए हुए हैं या साउथ के एक्टर्स होंगे, ठीक है। सो आप बॉम्बे में बैठे हैं, आप ही का एक सेट पे एक मतलब सपोज मैं एक ऐड की बात करता हूँ, एक ऐड बनता है, उस ऐड में एक लड़का काम, 5 लोग काम करते हैं, तो उस प्रोडक्शन हाउस की कास्टिंग टीम से 4 आर्टिस्ट उनकी तरफ से हैं, 2 आर्टिस्ट मेरी तरफ से गए हैं, दिल्ली से गए हैं, तो उन 4 आर्टिस्ट को तो आप सेट पे पेमेंट चेक थमा देते हैं, और दिल्ली आर्टिस्ट को कहते हैं 45 दिन बाद पेमेंट मिलेगी। चलो मिलती है या फिर वो भी डिले होती है? वही तो होना था सारा। अच्छा, वो भी डिले होती है। तो वही तो तभी तो मैं चिल्लाया था। अच्छा। अब हुआ क्या कि वो 45 दिन, अब अच्छा दूसरी बात, पहली बात था जब आपने अपने आर्टिस्ट को पेमेंट कर दी तो आप हमारे आर्टिस्ट को पेमेंट क्यों नहीं कर सकते, हाथ के हाथ? तो वो कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है कि आपको 45 नहीं, मोस्टली वर्ड ऑफ माउथ पे होता है सारा काम, ठीक है। तो एक बात ठीक है, हम लोग भी 45 डेज के लेके चल रहे थे, पहले 25 दिन था, फिर 30 दिन हुआ, फिर 45 दिन हो गया। अब एक आर्टिस्ट है जिसको अपना घर चलाना है तो वो 45 डेज तक क्यों रुकेगा भाई? पहले तो काम बड़ी मुश्किल से मिलता है, और जो काम मिलता है उसकी पेमेंट भी नहीं मिलती। वो धीरे धीरे ना क्या हुआ कि वो बल्क बढ़ता चला गया। अब मेरे साथ नाना करते करते मैं कहा से पिछले 6-7 महीने में कम से कम 500 से ज़्यादा आर्टिस्ट ने काम किया होगा। मैं क्राउड छोड़ के बात कर रहा हूँ, मैं फीचर आर्टिस्ट की बात कर रहा हूँ, जिनको डायलॉग मिला। अगर एक 500 आर्टिस्ट को अगर आपकी नॉर्मल 5,000 भी होगा तो कितना पैसा हो गया देने वाला? बिग फिगर ना, तो मैं कहाँ से अपनी तब जेब से निकालूंगा? मैं उनको बोलता हूँ कि भाई आप पेमेंट टाइमली कर दीजिए, एटलीस्ट एक मंथली सैकड़ तो चले, जैसे सब लोगों की सबके घर में एक सैलरी आती है महीने की, आप एक डेट फिक्स कर दीजिए कि 10 तारीख को पेमेंट होगी, 1 तारीख को पेमेंट होगी, फिर आप 45 दिन, फिर 90 दिन, फिर 3 महीने, फिर 4 महीने, फिर 6 महीने, फिर आप भागते रहो पागलों की तरह उनके पीछे। यार हमने कोई गुनाह थोड़ी किया आपके लिए काम करके। फिर कभी किसी का एम्प्लॉय चेंज हो जाता, कभी किसी का अकाउंटेंट चेंज हो जाता, कभी किसी का आईडी चेंज हो जाता। वेब सीरीज करी आपने, सेट पे जाके बोल दिया हमने दीपक मल्होत्रा को पेमेंट कर दी, मतलब कर देंगे 3 दिन के अंदर, आर्टिस्ट को लगा हाँ अच्छा हो जाएगी, आर्टिस्ट का 3 दिन बाद फोन बनना शुरू हो गया। मैंने ईडी को फ़ोन किया, भाई आपने तो कहा 3 दिन बाद, किसने बोला आपको 3 दिन बाद? कह रही हाँ हो जाएगी। मैंने कहा तो दो, नहीं वो तो हमने सेट पे ना आर्टिस्ट को चुप कराने के लिए बोल दिया था। मैं कहा वो जो 250 आर्टिस्ट अब तो मेरे से चढ़ जाएंगे ना, वो थोड़ी आपको, थोड़ी देर बाद फ़ोन किया मैंने, सर वो ना जॉब फिल्म छोड़ दी क्योंकि फिल्म कंप्लीट होगी तो मैंने एडी छोड़ दी, अब आप प्रोड्यूसर से बात कीजिए। अब प्रोड्यूसर साहब फ़ोन नहीं उठाते, ऑफिस चल रहा है, प्रोड्यूसर साहब फ़ोन नहीं उठाते, यू आर बैगिंग 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 बैगिंग, कितना करोगे आदमी, कितना झेलेगा भाई? तो आपके साथ मल्टीपल टाइम थे, ये मल्टीपल टाइम ना मेरे साथ नहीं, इंडस्ट्री में कई लोगों के साथ में हो रहा है, लेकिन कोई आवाज़ नहीं उठा रहा इस बात। ऐसा भी होता है कि लेट्स अज्यूम कि मान लो मैं प्रोड्यूसर, ऐसे फंस भी जाते हैं। मैं प्रोड्यूसर हूँ, मैंने आपके साथ पहले से किया, फिर मैंने आपको दोबारा कोई असाइन किया, तो दोबारा आप काम करते हैं? ऐसा होता है, होता है, होता है, यही तो चक्कर है सारा का सारा। सपोज आप एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, ठीक है, और आपके काफ़ी सारे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं, तो आपने मुझे काम दिया दीपक ये ना एक है ना एक, और खासकर ये मैं खुल के बोल रहा हूँ ऑन कैमरा कि दिल्ली के लाइन प्रोड्यूसर्स कुछ सारे नहीं, कुछ लोगों ने धंधा बना लिया कि बॉम्बे से काम लेके आते हैं और बिलिंग होती है उनके थ्रू पे,
तो वो अपना कमीशन और अपना सब काट कूट के पहले साइड में अलग हो जाते हैं और बाद में हम लोगों का पैसा खा जाते हैं। अच्छा, इन लोगों ने अब आपने क्या किया, आपने बोला कि दीपक एक प्रोजेक्ट है, सपोज एक किसी ब्रांड का एड है, आपने करना है? मैंने कहा हाँ जी करना है। बिलिंग होगी 3 लाख रुपए की। इतने में क्या करा, अच्छा मैं 45 दिन बाद तो ये पेमेंट कर दूंगा। 45 के दिन हो गए, 2 महीने पेमेंट नहीं आ रही है। अरे सर मैं बार बार रोज फोन कर रहा हूँ, सर पेमेंट कर दो, आर्टिस्ट को पेमेंट करनी है, मैं कब तक अपनी जेब से पेमेंट करूँगा? आर्टिस्ट को ये लगेगा ना कि दीपक अपना पैसा खा गया है ना। अच्छा अच्छा करते हैं, आपने उसमें से 1 लाख रुपये मुझे दे दिया, 2 लाख में से 1 लाख दे दिया। अच्छा दीपक एक प्रोजेक्ट और है तो करना है? अब मैं मना कर नहीं सकता, मैंने कहा हाँ सर करते हैं, मैंने उठा लिया। उसकी बिलिंग होगी 3 लाख रुपये की, तो 3 लाख में से आपने 2 लाख दे दिया, तो 2 और 1 3 ही दिया, बिलिंग होगी जबकि 5 लाख की। आपका फिर 5-6 लाख रुपए खड़ा हो गया, वो पैसा वो फंस रहा है, फंस रहा है, क्योंकि आप तो ये भी है कि ऑब्वियसली बिजनेस करना है। अब आपको लगेगा कि ठीक है दीपक सर आप बना कर दो ना उसको, क्यों कर रहे हो काम? तो मैं नहीं करूंगा तो कोई दूसरा कर लेगा दिल्ली के अंदर, इसको काम चाहिए। और दिल्ली में कॉम्पिटिशन क्या, हर जगह कॉम्पिटिशन होता है, लेकिन बाद में उनको तो फिर तब पता चलेगा जब पैसा फंसेगा लास्ट में। आता अभी तो मैं फिर भी दे रहा हूँ, मैं फिर भी निकालू बिकॉज माई कमिटमेंट। अक्सर तो लोग इंडस्ट्री में से गायब हो जाते हैं, तो ऐसे बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं, आर्टिस्ट कार्ड, ये कार्ड रजिस्ट्रेशन लो, चार्जेस लो, ये तो जितने भी नए आर्टिस्ट हैं वो तो बहुत फंसते हैं। ये इसी पे मैंने सवाल सोचा था अपने उसमें कि लेट्स अज्यूम कि मुझे ऐसे एक्टर बनना है, ठीक है, और बहुत सारे फेक ऑडिशंस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, How will I identify कि this is fake, this is real? देखिए सबसे पहले ना तो आपको खुद के ऊपर विश्वास होना चाहिए, विश्वास अंदर ना पढ़ा लिखा होना चाहिए। आपको कोई थिएटर बैकग्राउंड होना बहुत ज़रूरी है आज के डेट में। जब आप थिएटर करते हैं तो वहाँ पर नेचुरली आपको बहुत सारे लोग मिलते हैं, तो एक सर्किल बनता है ना, उस सर्किल में कुछ एक्सपीरियंस भी होते हैं, कुछ प्रेशर्स भी होते हैं, तो आपकी नॉलेज इंक्रीज होती है ना धीरे धीरे, तो नॉलेज कहीं कहाँ ना कहीं काम आती है। आपको स्क्रीन के सामने खड़ा होना, प्रेजेंस रहने के सामने आनी शुरू हो जाती है, धीरे धीरे आपकी मार्केटिंग करना शुरू होती है। अब आपने कहा कि अचानक से रैंडमली एक मैसेज आया, फ़ोन आया किसी के पास, भाई आपका एक हमें ऑडिशन करना, आप ऑडिशन देने आ जाओ। वो बेचारा चला भी गया, ऑडिशन दिया, वापस आ गया। क्या आपने जाने से पहले उस कास्टिंग वाला या उस प्रोडक्शन हाउस या कास्टिंग एजेंसी या उस पर्सन के बारे में कहीं पर कुछ आज के डेट में कुछ रिसर्च करिया, कुछ गूगल किया? क्योंकि आज के डेट में गूगल अपने में बहुत बड़ी सर्च इंजन है ना, आपको सब चीज़ मिल जाती है उसमें। एटलीस्ट किसी ने अगर फ्रॉड किया होगा तो कहीं ना कहीं पर तो होगा, किसी ने काम किया होगा तो वो भी होगा। अब ऐसा नहीं है, बहुत सारे इंस्टाग्राम फेसबुक पे काफ़ी सारी प्रोफाइल्स होती हैं, लेकिन वहीं पे कुछ बहुत बहुत बड़े एक्टर्स और डायरेक्टर या प्रोड्यूसर्स हैं जिनकी प्रोफाइल आपको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि उनकी क्या कहते हैं इंस्टाग्राम में सिर्फ पेड़ पौधों की फोटो डाली होगी, जबकि वो जेन्युइन होंगे। तो ऐसा नहीं है कि वो फेक है, लेकिन वो अपनी आइडेंटिटी शो नहीं करना चाहते, क्योंकि उससे उनका डिस्ट्रैक्शन होता है, काम में डाइवर्जन होता है, कि लोग फिर उनको मैसेजेस करते रहेंगे, सब कुछ करते रहेंगे। सो आई थिंक आपको पता करना चाहिए जाने से पहले कि आप किससे मिलने जा रहे हो, कब जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, ठीक है। अब मेरे जैसे डीएम स्टार को बनाने में मुझे 13 साल लग गए, ठीक है, तो जो 13 साल से काम कर रहा है तो कुछ ना कुछ तो आइडेंटिटी होगी ना मार्केट में। तो आप अगर किसी नए इंसान के पास जा रहे हो तो मैं ये नहीं कहूँगा कि नए इंसान भी कहीं ना कहीं से शुरुआत तो करेगा ही, है ना, बट यस एटलीस्ट थोड़ा सा तो पता करके जाइए, है ना। देखिए फेक और जेन्युइन एडिशंस को आप बहुत ज़्यादा पकड़ भी नहीं सकते, मैं सच्ची बोल रहा हूँ, प्रैक्टिकली बोल रहा हूँ। काम मिल गया तो जेन्युइन है, नहीं मिला तो फेक है। अब मेरे यहाँ पे भी काफ़ी सारे एक्टर्स हैं जो आते हैं कि सर 41 ऑडिशन देने आ रहा हूँ, अभी तक काम नहीं मिला। सर 45, हाँ सर हम आपको अपनी प्रोफाइल भेजते रहते हैं, काम तो देते नहीं। सर बार बार आप प्रोफाइल ही मंगाते रहते हो, बार बार आप कहते हो व्हाट्सएप पे प्रोफाइल करो, आपके स्टाफ तो चेक ही नहीं करता प्रोफाइल हमारी। इट्स अ रेगुलर हाइजीन या फिर आप वो क्या प्रोसेस? यार ये प्रोसेस देखिए, जब भी हम कोई प्रोजेक्ट शुरू करते हैं ना तो वो स्क्रैच से शुरू होता है, उसका एक रीज़न होता है। सपोज आपके बाल अभी लंबे हैं, है ना, आपकी दाढ़ी वाड़ी है, एक दिन में आपने जाके अपनी दाढ़ी कटाई, बाल भी कटा लिए। अब मैं आपको लेकिन वही दाढ़ी वाला और वो समझ रहा हूँ अभी तक, है ना। तो क्या होता है कि जब भी हम लोग ये अपना प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तो हम स्क्रैच से शुरू करते हैं, चाहे वो 2 दिन पहले क्यों ना शुरू हो। तो इसलिए हम लोग बार बार लोगों को मैसेज करना पड़ता है कि प्लीज़ सेंड योर लेटेस्ट इंट्रोडक्शन वीडियो और लेटेस्ट पिक्चर्स, जिससे हमें आपकी करंट पिक्चर्स के बारे में पता रहे। अब थैंक्स टू सम फोटोग्राफर्स की एडिटिंग बहुत होती है पिक्चर्स में, है ना, तो वो एडिटिंग होने की वजह से ना क्या हो जाता है कि बंदे की एक्चुअल नेचुरल पर्सनैलिटी गायब हो जाती है, तो वो नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि इन पर्सन बंदा सामने आए और हम लोग उसका ऑडिशन करें, तो जैसा दिखता है वैसा ही ऑडिशन उसका आगे जाए। तो इसलिए हम लोग बार बार लोगों को फ़ोन करके बुलाते हैं, सब कुछ करते हैं,
अब आप बोलते हैं कि आपको रिप्लाई नहीं आता। यार मैंने मांगा 20 साल का लड़का, मेरे पास 30 साल वाले लोग अपनी प्रोफाइल भेजना शुरू कर देते हैं। मैंने मांगा 22 साल का लड़का, लोग अपनी 8 साल के बच्चे भेजना शुरू कर देते हैं। मैंने मांगा लड़का, लड़कियां प्रोफाइल भेजनी शुरू कर देती हैं। तो उस केस में जब हमारे पास एक साथ इतने सारे बल्क मैसेजेस आते हैं, व्हाट्सअप आते हैं, तो उनको चेक करने में टाइम तो चाहिए ना। एटलीस्ट हम लोग भी इंसान ही है ना। आप एक दिन में 1000 व्हाट्सअप पढ़ के दिखाइए और फिर उनका रिप्लाई कीजिए। नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि आपने किसी को अगर हाई किया तो आपको फिर रिप्लाई करेगा हाय हाउ आर यू, है ना। बस वो करते करते आपके 5 मिनट चले गए, तब जाके आप कंक्लूजन पहुंचोगे कि फाइनली बंदा सामने वाला क्या चाहता है और मैं क्या चाहता हूँ। तो लेकिन यही होता है कि हम लोग फिर भी, अब ये लक बाय चांस तो नहीं बोलूंगा, लेकिन मैंने अपनी इंस्ट्रक्शन दे रखी अपने स्टाफ को कि एटलीस्ट हर एक का रिप्लाई जरूर करो। अभी भी संडे है आज, मेरे अभी भी मेरे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं एक प्रोजेक्ट के ऊपर, क्या घर से कर रहे हैं। सो कहने का मतलब यही है कि हार्ड वर्क बहुत है। तो जैसे कि आपने बोला था कि कास्टिंग एजेंसी, कास्टिंग डायरेक्टर का क्या बहुत ही टफ जॉब है, इसको इतने वो मत सोचिएगा कि बहुत ही ईजी टू गो है, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी दिन रात 24 घंटे 48 घंटे कम पड़ेंगे। आपका खाना पीना चाय नाश्ता सब फ़ोन पे ही होगा। 24 घंटे आपका व्हाट्सअप ऑन रहेगा और चश्मा चढ़ जाएगा मेरी तरह तो, और बाल सफेद, दाढ़ी सफ़ेद हो जाएगी मेरी तरह तो। लेकिन अगर आप उसको सीरियसली करेंगे तो नेचुरली पैसा भी है, अच्छे लोग भी हैं, शोहरत भी है, नाम भी है। दिल्ली में, बॉम्बे में काफ़ी बड़े कास्टिंग वाले हैं जिन्होंने बहुत अच्छा नाम कमाया। और अगर किसी को लेट्स अज्यूम ये इंटरव्यू देखने के बाद, या फिर वैसे भी अगर किसी को कास्टिंग लाइन में जाना, आउट ऑफ द बॉक्स के लिए मेरे को तो कास्टिंग डायरेक्टर बनना है, तो व्हाट विल बी द फर्स्ट और सेकंड स्टेप की ये प्रोसेस होना चाहिए? देखिए मेरे साथ इसका तो कोई कोर्स ही नहीं है। हाँ, लेकिन देखिए मेरे साथ तो बाई चांस था कि मैं सच्ची बोलूँ, मैं खुद बोलता हूँ, उनके लिए मुझे कोई कहने में शर्म नहीं है कि मेरे साथ बाई चांस था कि मैं कास्टिंग एजेंसी में आ गया। लेकिन अगर आपको सच में कास्टिंग डायरेक्टर बनना है, कुछ बनना पड़े, तो आपको कुछ तो नॉलेज गेन करनी चाहिए। सबसे पहले तो आप एक्टर बनने की, क्योंकि एक कास्टिंग डायरेक्टर एक एक्टर को पहचानता है। करेक्ट, ठीक है, हुनर पहचानना, तो वो काबिलियत आपके अंदर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है, काफ़ी सारे बड़े बड़े कास्टिंग डायरेक्टर हैं जिन्होंने बड़े बड़े स्टार्स लॉन्च किए, उनको खुद एक्टिंग नहीं आती। ऐसा भी होता है, ठीक है। लेकिन कहते हैं ना कि पर्दे के पीछे काम करने वाला, पर्दे के आगे, दोनों तरफ बहुत सारी जॉब्स होती हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। जितनी जॉब पर्दे के आगे है उससे ज़्यादा जॉब पर्दे के पीछे भी हैं, ठीक है। सो आप दोनों ऑप्शन साथ में लेके चलिए लाइफ के अंदर। तो आप थोड़ा सा थिएटर वर्कशॉप्स कीजिए, नॉलेज गेन कीजिए, डायरेक्शन की नॉलेज लीजिए, मतलब कुछ ना कुछ एक 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 एटलीस्ट 1-2 साल उस पर काम कीजिए। उससे बड़ा है नेटवर्क, अपना नेटवर्क इंक्रीज़ कीजिए। आपको पता होना चाहिए कि आपकी मेमोरी बॉडी शार्प होनी चाहिए, आपको बादाम देसी घी खाना शुरू कर दो क्योंकि कास्टिंग वाले के अंदर मेमोरी शार्प होना बहुत ज़रूरी है। इवन मैं अपने स्टाफ में यंगस्टर्स भर्ती करता हूँ सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि उनकी मेमोरी शार्प होती है एंड दे आर हार्ड वर्किंग, थोड़ा सा फिट लोग होते हैं, भाग दौड़ी कर सकते हैं, आप उनसे काम कर सकते हैं। वही अगर मैं 30-40 साल के बंदे को हायर करता हूँ तो रोज़ तो उसके स्कूल में एडमिशन होगा, कुछ जाना होगा, उसकी वाइफ से बात होगा, रोज़ फोन आएगा। तो यंगस्टर जो होते हैं टाइम दे पाते हैं इंडस्ट्री के अंदर, है ना। सो आप अपने आप को नॉलेज गेन कीजिए थोड़ा सा, किस फिल्म में कौन सा डायरेक्टर था, कौन प्रोड्यूसर था, कौन सा एक्टर था, ये सब आपको याद होना चाहिए। तो आप मूवी देखो ना देखो, लेकिन नंबरिंग जरूर देखो। इनिशियली तो ये जॉब लेके ही चलते हैं लोग कहीं ना कहीं पे, फ्रैंकली स्पीकिंग मैं भी इसको जॉब लेके ही चला था। मैंने पैसे के बारे में नहीं सोचा था इतना, लेकिन वो धीरे धीरे बिजनेस बन गया। और आज की डेट में बिजनेस ही है। आज की डेट में अगर आप मेरे से स्ट्रेट अवे क्वेश्चन पूछेंगे तो शायद लोग फिर मुझे ब्लैकलिस्ट कर दें लोगों ने बिजनेस ही बना लिया है। कास्टिंग तो बहुत कम लोग करते हैं, तो नेपोटिज्म वाला भी जोन है। और कास्टिंग में भी क्या होता है कि अक्सर कास्टिंग इंटर्न या कास्टिंग एसोसिएट जो होते हैं वो अपने ही, क्योंकि हुआ कि आज के डेट में जो एक्टर नहीं बन पाया वो कास्टिंग इंटर्न या कास्टिंग एसोसिएट या कास्टिंग डायरेक्टर बन गया। तो उसके आसपास के 2-4, 15-20 लोग होते हैं वो उन्हीं के, जिस तरीके से हमने मेहनत करी थी वो आजकल के लोग नहीं कर सकते। तो वो बहुत ईजी टू गो वाला, बस ठीक है यार आसपास के लोगों को कास्ट कर दो और लॉन्च कर दो। लेकिन ऐसा नहीं, अभी भी काफ़ी बड़े दिल्ली में भी और बॉम्बे में भी कास्टिंग वाले लोग हैं जो पूरी मेहनत करते हैं, बट और इसलिए उनका नाम भी है, इसलिए वो 100 लोगों की भीड़ में से 10 लोग अलग दिखाई देते हैं, ठीक है। तो अगर आपको उनके जैसा बनना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी और सीरियस और अच्छा काम करके दिखाना पड़ेगा इंडस्ट्री में, नए टैलेंट को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। वो आपके अंदर आपको हिम्मत होनी चाहिए कि आपका एक्टर है आपको उसको कैसे बेचना है, ठीक है। क्योंकि सामने वाला तो बोलेगा, इस इंडस्ट्री में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब तक कैमरा रोल नहीं होता ना तो एक चीज़ होती है, और दिखाओ और दिखाओ और दिखाओ,
हो सकता है कैमरा रोल होने से पहले कुछ अच्छा ऑप्शन और मिल जाए। समझ गया। तो इसलिए सोच और खोज इस इंडस्ट्री में ख़त्म नहीं हो सकती, मतलब क्योंकि ऐसी इंडस्ट्री है थोड़ा सा कह सकते हैं कि शायद थोड़ा सा कम हो तो ऑन कैमरा भी कि बदनाम इंडस्ट्री है कि रोल लेने के लिए लोग कुछ भी करते हैं। हाँ, करते हैं, करती हैं, करते हैं। आपको भी ऐसी चीज़ें ऑफर्स आते हैं? आते हैं। बट हाउ यू हैंडल दिस? मैं झूठ नहीं बोलूँगा आते हैं, लेकिन अभी आपको देखना पड़ेगा ना कि कैसे आपको टैकल करना है। नो वन कैन टच यू विदाउट योर परमिशन। करेक्ट। देयर इज नो कास्टिंग काउच। If you are giving the permission directly, it means you are also involved into that. तो कहाँ से आ गया? And what about the? और frankly speaking, ऐसा करने से काम नहीं मिलता। नहीं मिलता काम। ये कहने की बात है। आप कुछ दिनों के लिए उसके माइंड में बस सकते हो, कुछ टाइम के लिए, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। और स्पेशली जब आप एक्टर ही नहीं हो, आप मॉडल ही नहीं हो, बस आपको किसी ने कह दिया कि ऐसे करने से काम मिलता है, तो ये दिमाग से निकाल दो, नहीं मिलता काम। कास्टिंग काउच नहीं होता। अगर होता है तो सिर्फ इतना होता है कुछ दिनों के लिए आप उसके करीब रहते हो। अब उसी में आप अगर चालाक हो तो अपना काम निकाल सकते हो, नहीं तो टाटा बाय बाय। तो एक ऑप्शन होता है नेक्स्ट, फिर होता है नेक्स्ट। हाँ हाँ, कई सारे प्रोड्यूसर ने मुझे भी ऑफर करी थी तो क्या, लेकिन सच्ची बोलूँ तो ऐसा होता नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है चीज़ों का। ये इंडस्ट्री में बहुत अच्छे लोग हैं, सिर्फ आपको ढूंढना है उन लोगों को। अच्छे लोग हैं जो काम कर रहे हैं इस इंडस्ट्री में, अच्छे एक्टर्स हैं, लड़कियां हैं, लड़के हैं, अंकल हैं, आंटी हैं, सभी काम कर रहे हैं। आपको ढूंढना पड़ेगा उन लोगों के कौन से लोग हैं जिनके साथ काम करना है। हाँ, फिर फन करना है, बॉम्बे जाके अपनी बैचलर लाइफ इंजॉय करनी है तो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। 90% एक्टर्स बॉम्बे में जाके अपनी बैचलर लाइफ इंजॉय करते हैं। और आज के डेट में तो नया टंटा पैदा हो गया, लविंग लिविंग रिलेशनशिप। जाओ, अपना खर्चा आपका बट जाएगा। गलत है ये चीज़, गलत है। आपको एक्टर बनना है ना, तो आप एक्टर बनने की तैयारी कीजिए ना। आप इन फालतू में प्यार मोहब्बत और ये सब के चक्र में क्यों पड़ते हैं? आप पार्टीज करेंगे जाएंगे, ठीक है, नेटवर्किंग बढ़ती है, लेकिन आप एक्टर ही नहीं है तो उस नेटवर्किंग का फ़ायदा क्या? तो भी अब फिर आप जाइए, अपना किराया भरिए, पैसा खर्च कीजिए माँ बाप का, और वापस आ जाइए। फिर दोष दे दोगे आपकी, दीपक मल्होत्रा ने काम नहीं दिया हमें। कहाँ से काम देगा दीपक मल्होत्रा आपको? अगर किसी को वाकई में एक्टर बनना हो तो पैसा दे के काम एक्टर नहीं बन सकता, तो क्या मेहनत करें? एक मूवी जब बनती है तो उसका बजट आज की डेट में जैसा आपने देखा 500 करोड़ की फिल्में बनती है, 200 करोड़ की फिल्में बनती है, तो आपके 10 लाख देने से क्या आप हीरो को मिल जाएगा आपको उसमें? ऑब्वियसली नहीं, ये साइड में खड़ा कर देगा। हाँ, 10 लाख देके कोई शॉर्ट फिल्म टाइप या म्यूजिक वीडियो टाइप अपने अपने को रिड्यूस किया और डाल दिया और लकड़ी अगर वो हिट कर गया तो आपकी किस्मत है। लेकिन मूवीज के अंदर पैसा देके काम नहीं मिल सकता। खुद को लॉन्च कर रहे हो तो आपकी जेब में कम से कम 5-6 करोड़ रुपये तो होना चाहिए ना, क्योंकि मूवी बनती तो 2 करोड़ की है लेकिन मार्केटिंग पे उस पर 3 करोड़ रुपये खर्च होता है। तो खुद कास्टिंग में और आप एक्टर भी बनना चाह रहे थे, मैंने जस्ट अभी सोचा ही और खुद एक्टर भी बनना चाह रहे थे। अब तो बहुत इजी नहीं है आपके लिए कि मैं खुद को लॉन्च कर लूँ, खुद को कास्ट? एक कहावत है, हलवाई कभी अपनी मिठाई नहीं खा सकता। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जब मैं भी सोचता हूँ, ऐसा नहीं है, जब मैं सोचता हूँ अपना की ऑडिशन दे दूँ तो मेरा स्टाफ ही कह रहा था नोट पेड मेरा स्टाफ ही मेरा ऑडिशन नहीं करता, कहता सर आप बहुत गंदे एक्टर हो, रहना साइड हो जाओ नेक्स्ट। तो लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ से काफ़ी सारे कुछ मेरे असिस्टेंट थे और एम्प्लॉयज़ थे जिन्होंने आगे इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं वो लोग, तो बट वो अपना ऑडिशन करने से पहले वो एक्टर जो यहाँ बैठा था वेटिंग एरिया में उसका ऑडिशन किया करते थे। तो अपना सबसे लास्ट में। तो मैं भी किसी के कैरियर पे नहीं रुकना चाहता, मुझे पता कि हर कास्टिंग असिस्टेंट एक्टर बनना चाहता है। अगर टैलेंट है तो बन के दिखाओ, नहीं अगर चुपचाप कास्टिंग करो, दूसरों को कास्ट करो। तो बड़ी सिंपल सी कहानी है। वैसे भी सच्ची मैं आपको फिर वही बोला कि इस इंडस्ट्री में सोच और खोज कभी ख़त्म नहीं हो सकती। मुझे ये जानना है, पहला एक ऑडिशन क्लिप की बात हो रही थी है ना, हम कर रहे थे, अगर क्योंकि अभी ऑनलाइन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है कि ऑडिशन क्लिप आप बना के भेजो और इस टाइप से ये है, पहले तो इंटरव्यूज हुए यहाँ पे हो जाते थे, एक अच्छी ऑडिशन क्लिप कैसी होनी चाहिए अगर किसी एक्टर को बना के भेजनी है तो? देखिए, ऑडिशन क्लिप तो बल्कि सेकंड चीज़ है, लेकिन उससे पहले है आपका इंट्रोडक्शन वीडियो। तो आई थिंक आपके इंट्रोडक्शन वीडियो मैक्सिमम 1 मिनट का होना चाहिए, इससे ऊपर का नहीं होना चाहिए। ओके। उसमें फटाफट आपका पूरा नाम,
एज, हाइट और करंट सिटी, और कुछ इंट्रोडक्शन में आपका नंबर मांगते हैं, बट मोस्टली नहीं मांगते, मतलब दिल्ली में हम लोग नहीं मानते, और आपकी लेफ्ट साइड प्रोफाइल जो एक प्रोसेस होता है, और आपका शॉर्ट में आपका एक्सपीरियंस, ओके, इन वेरी शॉर्ट जो आपने मेन काम किया, ये नहीं व्हाई दिस नीडेड, एटलीस्ट उससे पता चल जाता है कि एक्टर ने एक्सपीरियंस भी है या फ्रेशर है, क्योंकि काफ़ी सारे कई बार लोग इंट्रोडक्शन में घबरा जाते हैं, ओके, इवन मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन कई सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से आते हैं कोर्स करके, लेकिन उनको इंट्रोडक्शन वीडियो देना नहीं आता, ओके, ना दे इवन डोंट नो हाउ टू गिव द प्रोफाइल्स इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, ओके, ना व्हाट इज इट लाइक लेफ्ट प्रोफाइल और राइट प्रोफाइल क्या होता है उनको पता ही नहीं है, और उसके बाद वो लोग जब अपना, तो इंट्रोडक्शन वीडियो से बेसिकली एक्टर के इनिशियल पता चल जाता है कि बंदा कितना एक्टिव है कैमरे को लेके, एक्टिंग को लेके, सो आई थिंक अगर जब आप इंट्रोडक्शन वीडियो बनाए तो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बनाए, आपका वर्ड्स जो आप बोल रहे हैं क्लियर होना चाहिए, डिक्शन क्लियर होना चाहिए, लिपसिंग वगैरह नहीं होनी चाहिए, और दूसरा आपका जो बेसिक एक्सपीरियंस आपने किया है वो बताना जरूर। एक चीज़ बड़ी है सिंपल है इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर, काफ़ी सारे लोग ना जानबूझ के हाइड कर जाते हैं, और वो है आपकी मातृभाषा जिसको हम लोग बोलते हैं, ओके, अगर आपको लगता है कि हाँ हरियाणा से, और हम बोल देंगे कि मैं हरियाणा से हूँ ना, तो शायद पता नहीं काम मिलेगा नहीं मिलेगा, बल्कि अब ऐसा नहीं है, ओरिजिनलिटी इज मेन थिंग, एग्जैक्टली, आपको जो जो सी लैंग्वेजेस आती है और आपकी मदर टंग क्या है अपने बारे में जो भी बताइए, आप स्पोर्ट्स के बारे में अगर आपको कुछ आता है तो वो बताइए, आपको कोई आपके अंदर कोई स्पेशल क्वालिटी है, तो हाउ विल समराइज इन वन मिनट, वो तो बहुत जल्दी निकल जाएगा ना, नहीं नहीं हो सकता, एक मिनट काफी होता है बोलने के लिए, एक से सवा मिनट लीजिए, मतलब ये नहीं कि आप बहुत लंबा इंट्रोडक्शन बना लेके, मेरा कहने का मतलब ठीक है, टाइम पीरियड इसलिए खाली कि एक लिमिट के अंदर आप अपने बारे में बता दें, जैसे अगर मैं साहब बोलूं, जैसे मैं अपना इंट्रोडक्शन अगर देता हूं बैठे बैठे, तो हाय माय नेम इज दीपक मेहरोत्रा, माय एज इज 18 इयर्स, माय हाइट इज 5'7" एंड दीज आर माय प्रोफाइल्स, बाय प्रोफेशन आई एम अ कास्टिंग डायरेक्टर एंड आई लव म्यूजिक, थैंक यू सो मच, खत्म कहानी, ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आपका बड़े शॉर्ट में आपका इंट्रोडक्शन वीडियो होना चाहिए और कॉन्फिडेंस के साथ होना चाहिए। अब बारी आती है ऑडिशन क्लिप की, ऑडिशन क्लिप में जब भी आप अपना ऑडिशन रखें, आजकल जैसे कि सेल्फ का जमाना चल गया कि सेल्फ टेस्ट लोग घर से भेजते हैं, जबकि मैं इसके बहुत अगेंस्ट हूँ फ्रेंकली स्पीकिंग, क्योंकि सेल्फ टेस्ट में क्या होता है, आपको घर के अंदर एक माहौल मिलता है, एक कम्फर्ट जोन मिलता है, तो आप उसी कम्फर्ट जोन में अपना ऑडिशन बना के चले जाते हैं, लेकिन जब आप ऑडिशन देने आते हैं तो वहाँ पर डायरेक्टली आपको कास्टिंग डायरेक्टर या कास्टिंग के स्टाफ के साथ सामना होता है आपका, और वहाँ पे और भी काफ़ी सारे लोग ऑडिशन देने आए होते हैं, तो वहाँ पे एक नर्वस भी होता है थोड़ा सा लोग, और वो सब कुछ भी होते हैं, लेकिन क्या होता है कि जब आप कास्टिंग कंपनी में अपना ऑडिशन देने जाते हैं तो आपकी गलती को वो हाथ क्या ठीक कर देते हैं उसी समय पे, ठीक है, जब आप सेल्फ ऑडिशन बना के भेजते हैं तो हम लोग फिर आप बना के भेजते हैं, फिर हम आपको फ़ोन करते हैं, फिर वो हम फ़ोन करते हैं, फिर वो फ़ोन करते हैं, तो पूरा दिन निकल जाता है, सो इट्स बेटर कि आप हो सके जितना हो सके आप कास्टिंग कंपनी में जाके खुद अपना ऑडिशन रिकॉर्ड करा के आए। ऑडिशन देने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आप किस चीज़ का ऑडिशन देने जा रहे हैं, यानी कि आपको करेक्टर के बारे में पता होना चाहिए, कई बार तो सिर्फ इतनी सी स्क्रिप्ट आती है उसके आगे पीछे कुछ लिखा नहीं होता है उसके आगे, हाँ, तो आप उससे करेक्टर से, करेक्टर के बारे में आप कास्टिंग एसोसिएट से या कास्टिंग डायरेक्टर से पूछ सकते हैं कि ब्रीफ क्या है, इट्स योर राइट, ओके, आप पूछ सकते हैं, आपका अधिकार बनता है, ठीक है, ठीक है, अगर कोई फिर भी नहीं बताता तो इट्स योर बैड लक, ठीक है, ओके, सो हमारे यहाँ पे भी काफ़ी सारी स्क्रिप्ट लगी रहती है, लेकिन हमें पता रहता है कि किस बैकग्राउंड की स्क्रिप्ट है, तो उसमें आप एक्सप्रेशन चेक करते हैं या फिर द वे ऑफ ही और शी स्पीकिंग वो चेक करते हैं या फिर वो ओवरऑल रहता है, ओवरऑल ही रहता है, अच्छा, उसको मैं ये नहीं बोलूँगा कि खाली एक चीज़ जज की जाती है, अच्छा, उसमें आपकी बॉडी लैंग्वेज भी चेक की जाती है, आपके बोलने का तरीका, एंटर करने का तरीका, फ्रेम में घुसने का तरीका, ठीक है, और आपकी एडिक्शन और आपका कैरेक्टर के साथ आप कितने जजमेंट कर पा रहे हैं वो भी देखा जाता है, हाँ। ना अब एक ही स्क्रिप्ट को आप 10 तरीके से बोल सकते हैं, करेक्ट, अब इस सामने वाले के एज पर जो हमारे पास नरेशन आता है उसके हिसाब से लिखा होता है कि यार इसमें ऐसा लड़का है जो बहुत दबा हुआ है, हाँ। डरा हुआ है, सहमा हुआ है, है ना, वहीं पे लड़के अगर उसको हंस हंस के और इस तरीके से कर देंगे तो नहीं होगा ना, करेक्ट 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 करेक्ट, बट उसी स्क्रिप्ट के अंदर आप और भी वेरिएशंस डाल सकते हैं, तो ऑडिशन का मतलब बेसिकली वेरिएशंस देखना होता है कि एक डायरेक्टर का भी, कभी कभी हमारे साथ ऐसा भी हुआ है कि जो स्क्रिप्ट थी उस स्क्रिप्ट से बाहर किसी ने अपना ऑडिशन किया और डायरेक्टर को वही ऑडिशन पसंद आ गया, अच्छा, इसमें ऑडियो क्वालिटी मैटर करती है क्या,
क्योंकि हर किसी के पास माइक नहीं होगा ना वो तो नहीं नहीं ऑडियो क्वालिटी तो जैसे हम लोग इंटरव्यू कर रहे हैं तो यहाँ पे डेफिनेटली ऑडियो क्वालिटी बेटर करती है हाँ। लेकिन ऑडिशन के अंदर ऑडियो क्वालिटी की अगर आप बात करेंगे तो हाँ इतना जरूर है कि बहुत नॉइस ना हो आसपास के एरिया में पीछे किसी के कुकर की सीटी ना बज रही हो ठीक है। तो बेसिकली जब भी आप ऑडिशन देते हो थोड़ा साइलेंस रखें, आपके चेहरे पे लाइट्स प्रॉपर आनी चाहिए, आपका बैकग्राउंड क्लियर होना चाहिए ऑडिशन देते समय। आजकल तो रिंग लाइट्स वगैरह आ गई है जिसको हम लोग टिकटॉक लाइट वगैरह बोलते हैं, और घर में कोई भी एक अच्छा सा एक बैकग्राउंड ले लीजिए या कोई एक प्लेन पर्दा जिसे कहते हैं वो आप टाइट करके उसको बांध दीजिए या कोई प्लेन दीवार पकड़ लीजिए, और एक लाइट अगर आपको स्टूडियो सेट और कोई बहुत महंगा नहीं बनता 3-4 हज़ार के अंदर आपका काम हो जाता है। तो अगर आपको लगता है कि आप घर से ऑडिशन ना के भेज, काफ़ी सारे बड़े बड़े एक्टर्स हैं जो घर से ऑडिशन ना के भेजते हैं, सो कैमरा सेटअप कीजिए, थोड़ा सा पैसा खर्च कीजिए अपने ऊपर, तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा उस चीज़ का। लेकिन मैं फिर भी ये बोलूँगा जितना हो सके आप ऑडिशन कंपनीज में जाके अपना ऑडिशन दीजिए। आपको मतलब आपके कनेक्शंस बहुत सारे हैं ना आपके रिलेटिव्स में फ्रेंड्स में, आपको ये नहीं बोलते यार क्योंकि बोल दिला दे यार? हाँ बहुत बोलते हैं और अक्सर उन्हीं लोगों को काम नहीं मिल पाता और ये तो आप उनको मना करते हो या फिर क्या कहते हो या फिर आप बोलते हो कि नहीं ऑडिशन टरकाता रहता हूँ? खैर ऐसा नहीं है, उनको मैं बोलता हूँ ऐसा मजाक से हटके कि बिना ऑडिशन के तो काम नहीं मिल सकता। अच्छा, चाहे आप मेरे रिश्तेदार हैं हाँ। चाहे आप मेरे कुछ भी हैं, आपको बिना ऑडिशन के तो काम नहीं, कहते नहीं होगी यार इतने साल हो गए तेरे को, बोलते हैं बोलने इतना तो कर ही सकता है कई बार। अगर मैं बोलूँ जाके कि ठीक है तू पायलट एक दिन के लिए मुझे झाँच आने के लिए देते अपना, मैं तेरा दोस्त हूँ, हो सकता ना? नहीं हो सकता, घाट गिर जाएगा ना हाँ। तो ऐसे ही हमारा भी काम है, वी लव अवर वर्क एंड मुझे अपने काम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में पता है हाँ। कि सामने वाले को क्या चाहिए, तो इसलिए मैं अपने यार दोस्त रिश्तेदारों को भर्ती नहीं कर सकता हाँ। हाँ, उनका ऑडिशन कर सकता हूँ हाँ। अभी उनका लक है कि इनको क्या दे, अभी हुआ ना जैसे मेरा भांजा है हाँ। तो वो क्रिकेटर है, ऑलराउंडर है बेसिकली, तो हमने अभी बूस्ट का ऐड किया था अभी, तो जैसे बाकी सबके ऑडिशन है उसका भी हुआ, अब लकड़ी वो हो गया, उसको चांस मिल गया। तो अब इस लेकिन मैंने कोई नहीं बोला कि ये मेरा भांजा है तो इसलिए इसको काम दीजिए हाँ। जैसे बाकी सबके ऑडिशन गए तो उसको भी ऑडिशन किया हाँ। तो उसको प्रिविलेज मिला, एडवांटेज मिला या फिर नॉर्मल? नहीं मिला उसको, मतलब मेरे यहाँ से मिला, मेरा स्टाफ बड़े प्यार से बात करता था उससे कि दीपक सर का भांजा है, प्रॉपर सर्विस दी जाए हाँ, पैसे कम नहीं उठता उसको ओके क्योंकि हाँ ये प्रिविलेज जब अगर आप यार दोस्त को कास्ट करते हो ना हाँ। तो ये भी चीज़ ध्यान रखना कि फिर पैसे कम मिलते हैं हाँ, फिर तो आपने कमीशन भी नहीं लिया होगा ना हाँ, फिर मैंने कमीशन भी नहीं लिया, तो मैंने छोड़ दिया वो चीज़। तो बट ये है कि बट सच्ची बोलूँ तो ऐसा नहीं होता हाँ। बॉम्बे का मुझे पता नहीं, लेकिन दिल्ली में तो मैं अपनी बात अगर करूँगा तो मैंने अभी किसी यार दोस्त को स्पेशली कास्ट नहीं किया कि अरे ये रोल तेरा है नहीं, अच्छे में इतनी पावर भी मेरे पास किसी कास्टिंग वाले के पास नहीं होती, ये कहने की बात है। कोई भी कास्टिंग वाला किसी को कास्ट नहीं कर सकता, उसके अंदर इतनी पावर नहीं है हाँ। वो सिर्फ आपका ऑडिशन कर सकता है और आगे भेज सकता है, फाइनल डिसीजन प्रोड्यूसर डायरेक्टर और क्रिएटिव का होता है, ये बात हर एक्टर को पता होनी चाहिए ठीक है। कास्टिंग वाला काम एक मेडिएटर की तरह होता है जो आपके बीच में कड़ी होता है एक्टर और प्रोड्यूसर और कंपनी प्रोडक्शन हाउस के बीच में, उसका काम यही होता है कि अच्छे अच्छे ऑप्शंस को, अच्छे अच्छे चेहरों को और अच्छे एक्टर्स को आगे प्रेजेंट करें। वो बॉडी शॉडी बनाना जरूरी है क्या? हाँ बिल्कुल जरूरी है, क्या दिक्कत है? नहीं नहीं मतलब अगर कुछ लोग कहते हैं कि नेचुरल ऐसे ही है, बॉडी बना लो लेकिन साथ साथ बॉडी के साथ साथ एक्टिंग सीख लो। अच्छा, अब मैं दोस्तों बस इंस्टाग्राम पर उठता हूँ तो सारे जिम कर रहे होते हैं हाँ, उन्हीं में से मैं किसी लोगों को भेजता हूँ कि भाई ये स्क्रिप्ट पे ऑडिशन आके भेज दो हाँ, तो भेजते ही नहीं। अगर ऐसी बॉडी बनाने का भी क्या फायदा? और अगर किसी की बॉडी नहीं है लेकिन वो अच्छा एक्टर है तो आपको, आपको कौन सा हीरो पसंद है? मुझे पूछता हूँ ओके, मतलब वो तो डिपेंड करता है मूवी टू मूवी। फिर भी क्या देखना पसंद करते हैं आप हीरो, एज ए हीरो बॉलीवुड में? अगर मैं कहूँ तो क्योंकि मैं 90s में हूँ तो मैंने वो शाहरुख खान वाली मूवीज देखी हैं। तो शाहरुख खान सिक्स पैक है वो अब हुए, पहले तो रोमांटिक हीरो साइज, शाहरुख खान को भी सिक्स पैक बनाने की क्या जरूरत पड़ गई थी? करेक्ट, ट्रेंड है मार्केट में। देखिए पहली बात तो हर जगह सलमान भाई की तरह आपकी कोई शर्ट नहीं उतारेगा ठीक है, मतलब आपको हर जगह अपनी बॉडी दिखाने की जरूरत नहीं है, एटलीस्ट आपकी बॉडी इतनी होनी चाहिए कि आप कुछ भी पहने हाँ। तो आपके ऊपर अच्छा लगे ठीक है, आपकी फिजिक अच्छी है ना, हो कि आप सुकड़े से आ गए हाँ। और आप हीरो रोल कर रहे हैं तो नहीं कर सकते ना ये तो हाँ। आप शॉपिंग करने जाते हैं? ऑब्वियसली हर कोई जाता है ठीक है, तो जब आप शॉपिंग सेंटर में किसी में घुसते हैं तो सबसे पहले कुछ वहाँ पर डमीज लगी होती हैं करेक्ट, तो उनकी बॉडी कैसी होती है?
नॉर्मल एक फिजिक जैसा एथलीट वाला आपको होना चाहिए, वही टी शर्ट पसंद आती है। हाँ, फिर आपको पैर अच्छी नहीं लग रही होती। तो एक्चुअल में अपनी आज की डेट में देखिए, अब आपकी अब टाइम चेंज हो रहा है और आई थिंक हमें भी चेंज होना पड़ेगा। फिजिक में सिक्स पैक जरूरी नहीं है, अच्छा दिखना जरूरी है, फिटनेस जरूरी है, बॉडी। लेकिन इतना जरूर है कि अगर आप फिर भी अगर आप मूवीज देखने जाएंगे तो वेब सीरीज को छोड़ के अगर आप मूवीज देखने जाएंगे तो हर एक कॉलेज की लड़की सामने एक सिक्स पैक वाला हीरो देखना पसंद करती है। तो ये तो आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। हाँ, वहीं पे एग्जांपल भी हैं, नवाजुद्दीन हैं या बाकी जो एक्टर हैं और बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं, बहुत नाम कमाते हैं। तो लेकिन वो फिर जोन अलग है, उनकी स्टोरीज अलग हैं। देखिए सिक्स पैक डिपेंड करता है स्टोरी टू स्टोरी कि लव स्टोरी है, कॉलेज है, क्या है, स्टोरी की डिमांड बेसिकली मैटर करती है। लेकिन एक भेड़ चाल लेके कि सिक्स पैक बनाओ फिर काम मिलेगा तो वो गलत है। अपने खुद के लिए आप बना रहे हो तो ठीक है ना, लेकिन ये सोच के कि आप सिक्स पैक बना गए अब मुझे मिनिमम एज ए हीरो काम मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, चांसेस भी बढ़ गए, लेकिन फिर एक्टिंग तो सीख गया हो साथ साथ। सिक्स पैक बन गए लेकिन एक्टिंग नहीं आती तो कोई फ़ायदा नहीं है, बेटर है कि अपनी फोटो खींचो और इंस्टाग्राम पर डालो और लाइक्स का और व्यूज़ का वेट करो। नहीं नहीं नहीं, आई अंडरस्टैंड। आप ये ऐसा आपने अभी तक कितनी मूवीज़ में कास्टिंग की होगी, ऐसा कुछ नंबर है आपके पास? देखिए मैं कभी भी अपनी मूवी अपनी एजेंसी कंपनी को या खुद को मतलब मैं कास्टिंग डायरेक्टर नहीं बोलता, मैं फिर कह रहा हूँ ऑन स्क्रीन। हाँ। मैं एज ए कास्टिंग एजेंसी लेके चलता हूँ। हाँ। और कास्टिंग एजेंसी में इस ए टीम वर्क। हाँ। तो चाहे वो मेरा स्टाफ हो चाहे कोई भी लोग हो, जो हम लोग सब में मिलकर काम करते हैं। हाँ। और डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम लोग काम करते हैं, जैसे बॉम्बे से काफ़ी सारे कई कास्टिंग वाले हैं जो हमारे पास दिल्ली आते हैं और बोलते हैं कि दीपक कास्टिंग डायरेक्टर तो नहीं हूँ है ना, लेकिन इस फिल्म की बाकी कास्ट आपने करनी है क्योंकि दिल्ली में शूट है। हाँ। या बॉम्बे में भी शूट है, हमें एक्टर नहीं मिल पा रहे। हाँ। तो आप क्या हमारी हेल्प कर सकते हैं? तो हम लोग फिर उनकी हेल्प करते हैं। हाँ। ठीक है, वो हेल्प करते हैं, फिर हमारे यहाँ से भी एक्टर होते हैं। कभी कभी तो ऐसा हुआ है कि कास्टिंग डायरेक्टर का एक आदमी कास्ट होता है और हमारे 50 एक्टर कास्ट होते हैं। हाँ। कई बार ऐसा भी हुआ है, लेकिन कास्टिंग डायरेक्टर नाम उनका आता है। तो नंबर है ऐसा कुछ किया? नंबर 50-50 है। 50-50 है। तो ऐसा नहीं है कि सारी कास्टिंग में मेरी कंपनी कास्ट हुई है या मैंने ही काम किया, बट कई सारी जैसे रसबरी है या कहीं पे भी हैं, इसमें दो दो कास्टिंग डायरेक्टर हैं। हाँ। ठीक है, अब कई जगह पे जैसे आपने पता लग देखी होगी, हमारे लास्ट पे हमारा नाम आता है कास्टिंग एजेंसी डीएम स्टार्स इंडिया। हाँ। खुशी होती है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अल्टीमेटली आपकी कास्ट लॉक होनी चाहिए। हाँ। आपके एक्टर्स जो आप पे ट्रस्ट करते हैं उनको काम मिलना चाहिए है ना, और आपकी जगह पैसा आना चाहिए। ठीक है, दो चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी है इस इंडस्ट्री के अंदर कि आई थिंक कास्टिंग डायरेक्टर होने से फ़ायदा होता है कई लोगों को। स्टार्टिंग में जब नंबरिंग में आपका नाम आता है बड़े बड़े अक्षरों में कि एज एन कास्टिंग डायरेक्टर आपका नाम आ गया, तो वो नेचुरली अच्छा लगता है। किसको अपना नाम देखना अच्छा लगता है बड़े पर्दे पे? करेक्ट करेक्ट। हाँ, हम बड़े खुश हैं कि अगर नाम छोटे से भी आता है तो हम खुश हैं, क्योंकि एटलीस्ट शायद मैं खास में फिर वो बोलूँगा ये चीज़ के बारे में कि जितना काम हमने किया है ना, शायद कोई कास्टिंग वाला कर नहीं सकता। जितनी मेहनत मेरा स्टाफ करता है ना, कोई नहीं कर सकता। ये मैं ठोक बजा के बोल सकता हूँ कैमरे के आगे, क्योंकि मैंने देखा है पिछले 10 सालों में बड़ी बड़ी कंपनीज़ के लोगों को देखा है जिन्होंने काम किया है, बड़ी बड़ी फिल्में की नहीं हम लोगों ने, जिसमें कास्टिंग डायरेक्टर तो सो रहा था, काम हम लोग कर रहे थे और उस चीज़ का फ़ायदा भी हुआ कि हमें नेक्स्ट फिल्म मिली। करेक्ट, उनको नहीं मिली लेकिन हमें मिल गई। तो जितने भी फोटोज यहाँ पे, क्योंकि आपका ऑफिस बहुत फैसिनेटिंग है। थैंक यू सो मच। और इसमें मैंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली सब में काम किया है, मर्दानी से लेकर स्टार्टिंग में लेकर अभी लेटेस्ट में डी कपल भी रिलीज हुई थी और अभी भी कई सारी फिल्में रिलीज हुई हैं, एड्स बड़े रिलीज हुए हैं। सो सब में हम लोग ऐसे अपनी कास्टिंग एजेंसी लेके चलते हैं। तो आपने उनकी फोटोज लगाई है जिनमें आपने काम किया? हाँ, ये फोटो ऐसे नहीं लगी है। अब जैसे ये थी चिंटू का बर्थडे थी, भारत में हमारे कुछ एक्टर्स गए थे, कास्टिंग डायरेक्टर कोई और है, हंगरी में हमने काम किया था, मतलब सभी फिल्मों में जितनी है, ड्रीम गर्ल वगैरह, दंगल वगैरह, दंगल में तो आपको पता ही होगा कि हमने छोटी बच्ची कास्ट करी थी। हाँ। सुहानी भटनागर। तो इसी वजह से ऐसी कई सारी मूवीज हैं, फिल्में हैं। हाँ। जिसमें secondmarriage.com एक लगी हुई होगी यहाँ पे। हाँ। इसमें मैं एज ए कास्टिंग डायरेक्टर था। ठीक है, और भी फिल्में हैं काफ़ी सारी है जिसमें हमने डायरेक्टली इनडायरेक्टली काम किया और हमारे प्राइमरी एक्टर कास्ट हुए हैं उसके अंदर। ओके, मतलब प्राइमरी एक्टर कास्ट। कोई ऐसा जो भी रिनाउंड एक्टर हो गए हो कि हाँ ये स्टार्टिंग जैसे आप बता रहे हैं? याद नहीं रखता।
अच्छा, वो याद रखे तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो याद रखना चाहिए। खैर ऐसा नहीं है, जब धीरे धीरे जब आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती है और आप एक फ्रेशर से एक्टर बन जाते हैं तो उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती है, तो उनको भी अपने काम से जज में। अब ये थोड़ी कि बार बार मुझे फोन करके बोलेंगे दीपक सर थैंक यू। नहीं नहीं, आई टोटली अंडरस्टैंड। बस इतना जरूर है कि जब हम उनको फोन करें या हम उनको फोन करें तो हमारे बीच में अभी भी वही बाउंडेशन होना बहुत जरूरी है। लेकिन अक्सर एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। कई बार मुझे याद है जिस एक्टर के साथ मैंने अगर 5-4 में काम किया है उसी एक्टर को मैं अगर बोलता हूँ कि यार अभी भी मैं 8,000 दे सकता हूँ तो बोलता सर अब तो मैं 80,000 लेता हूँ, मैं 8,000 में काम नहीं करता। ठीक है, आई टोटली रिस्पेक्ट हिज हार्ड वर्क, लेकिन कभी कभी आपको देखना चाहिए कि सामने वाला आपको कौन फोन कर रहा है। ठीक है, तो वो रिस्पेक्ट शायद एक्टर्स के दिमाग में से निकलती जा रही है। मनी माइंडेड लोग ज़्यादा होते जा रहे हैं। और आज के डेट में रील्स का ज़माना है जहाँ पे सिर्फ डांस करो और पैसे आपकी जेब में, कपड़े चेंज करो पैसे आपकी जेब में। अब तो ऑनलाइन कपड़े चेंज होने लगे तो बेटर है कि आप, लेकिन मैं सारे एक्टर्स को ये बोलूँगा कि वर्चुअल लाइफ है ये, इंस्टाग्राम और ये फेसबुक और ये सब, रियलिटी कुछ हो रहा है। तो अगर आपको सच में लॉन्ग टर्म का, अभी आप पैसे तो कमा सकते हो लेकिन अगर आपको एक नाम कमाना, जैसे बारे बड़े बड़े स्टार्स हैं शाहरुख खान, सलमान खान और जितने भी लोग हैं, नवाजुद्दीन साहब हैं, तो उन्होंने मेहनत करी है, जीरो से मेहनत करी है, ग्राउंड लेवल से मेहनत करी है, तो वैसे बन के दिखाओ ना तो फ़ायदा भी है, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। पैसा कमा सकते, मानता हूँ पैसा भी ज़रूरी है खैर इंडस्ट्री में, लेकिन इससे फ्यूचर, कल को अगर इंस्टाग्राम बंद हो गया तो क्या करोगे, है ना। एक कास्टिंग डायरेक्टर महीने का कितना कमाता होगा यूजुअली? आपका ये कहीं किसी आईटी डिपार्टमेंट के पास तो नहीं है। नहीं, एक कास्टिंग डायरेक्टर उतना ही कमा पाता है जितना एक्टर कमा पाता है, मतलब गुड अमाउंट। नहीं, आज के डेट में कौन से चार एक्टर को बहुत अच्छा पैसा मिलता है? एक्टर्स को बहुत अच्छे अच्छे पैसे मिलते हैं जब नाम हो जाता है। आज के डेट में कास्टिंग वालों को सच्ची बोलूँ अभी इतना ज़्यादा रेवेन्यू नहीं मिल पाता है क्योंकि कास्टिंग फीस बंद हो चुकी है ऑलमोस्ट। पहले कास्टिंग फीस मिला करती थी, अब एक ही प्रोडक्शन हाउस में, एक ही कंपनी में, एक ही प्रोजेक्ट में तीन तीन कास्टिंग वाले काम कर रहे हैं, तो किस किस को कास्टिंग फीस देंगे वो लोग? तो प्रोडक्शन हाउस ने भी अपनी कॉस्ट कटिंग करनी स्टार्ट कर दी है। तो लेकिन इतना जरूर है कि इतना कमा सकता है अगर जेन्युइन तरीके से काम करे तो महीने का आराम से कुछ पैसा कमा सकता है जिसकी उसकी अर्निंग और उसका घर चल सके। ये कुछ की डेफिनेशन कुछ होगी, कुछ की फिर हम कभी बात करेंगे, इतना जरूर है कि कुछ का मतलब यही है कि उसका गुजारा चल जाएगा। अच्छा, है ना, और वो अपना सर्वाइव कर सकता है। हाँ, बशर्ते वो जेन्युइन तरीके से काम करे। पैसा कमाने से कास्टिंग वाला सबके पैसे मार के 10 लाख भी कमा सकता है, बट बिना किसी के पैसे मारे हुए अगर आप आराम से 1.5-2 लाख रुपए तो कमा सकते हो तरीके से अगर कमाना चाहो तो। आपको भी देना होता है जैसे यूजुअली ना, एग्जांपल के लिए अगर आपका कोई बिजनेस है तो लेट्स अज्यूम कि आपका एक स्ट्रीट फूड बिजनेस है, ठीक है, तो आपको कमाने के साथ साथ कमीशन देना पड़ता है, पुलिस वालों को देना पड़ता है या वैसे रैंडमली देना पड़ता है? नहीं, हम लोग हमारे इस लाइन में भी होता है। कभी कभी कुछ लोग होते हैं जो काम लेके आते हैं इंडस्ट्री में, तो वो लोग बोलते हैं कि हाँ मैं हमारा कट चाहिए, होता है, या फिर ऐसा कि आपको इनको तो देना ही पड़ेगा। नहीं, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, कि आपको देना ही पड़ेगा, बट अक्सर क्या होता है कि कुछ होते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनको पैसा खाने की आदत होती है। हाँ, कहते हैं ना किसी गरीब का हक मारने की आदत होती है, तो ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि दीपक सर इसमें से इतना कट हमारा रख लेना, होता है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, होता है, बांटना पड़ता है कभी कभी हमें, तो वही पैसा चार एक्टर का कम हो जाता है फिर उस चक्कर में। तो ये हमारी कमीशन नहीं, आप इसकी कंप्लेंट नहीं कर सकते। नहीं कंप्लेंट मतलब... नहीं है ना एक्चुअल में, देखिए अब ये तो आपके ऊपर है ना, सोच के ऊपर, आप मत काम करो, मना कर दो। तो एक्टर को ये पता होता है कि लेट्स अज्यूम नहीं, एक्टर को नहीं पता ना, एक्टर को अमाउंट नहीं पता होता है स्टार्टिंग से। नहीं, एक्टर अपना बजट बोल सकता है कि मेरा बजट 50 रुपये है या 100 रुपये है, बट आगे मैंने मुझे आगे 200 ले रहा हूँ, 250 ले रहा हूँ, या उस काम को लाने के लिए मैं आगे कितना पैसा बांट रहा हूँ, अगेन इसे बिजनेस, फिर अगर आप बात बोलोगे तो बिजनेस। ठीक है, अगर एक एक्टर को, एक्टर तो गया सीधा अपने एक्टिंग करी वापस आ गया, लेकिन एज ए बिजनेस मैन तो मुझे देखना पड़ेगा ना कि एक्टर को पैसा देने के लिए और काम करने के लिए मुझे तो सर्वाइव करना जरूरी है ना। अब आगे मुझे अपना प्रॉफिट कम करना पड़े, अपना ही प्रॉफिट कम करना पड़ता है। ठीक है, तो मैं अगर उस बेसिक लैंग्वेज में समझूँ, लेट्स अज्यूम कि आपको 100 रुपये मिल रहे हैं, इट्स अप टू यू कि आप एक्टर को कितना दोगे, बाकी नहीं, एक्टर बोलता ना पहले कि मुझे इतने चाहिए। अच्छा, अगर एक्टर कहता कि मुझे 50 रुपये चाहिए तो डेफिनेटली फिर मुझे उस पैसे के हिसाब से अपने आप को देखना पड़ता है ना। गॉट इट।
तो बट हाँ कभी कभी होता है, ऐसा भी होता है कि एक्टर को बोलते हैं कि भाई हमारा बजट 10,000 रुपये है, या हमारा बजट 5,000 रुपये, या हमारा बजट 1,00,000 रुपये है, इज इट ओके विद यू? वो कहता है हाँ ठीक है ओके है, तो हम लोग आगे करते हैं. लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने एक्टर को 10,000 रुपये दिए और आगे मैंने 1,00,000 चार्ज किया, ऐसा नहीं होता. अच्छा, मैक्सिमम 25-30% का हेरफेर होता है, इससे ऊपर नहीं होता. मतलब ऑन एवरेज अगर स्टैंडर्ड देखा जाओगे तो इस इंडस्ट्री का 25% 15-20% से लेकर 25% तक का मार्जिन होता है, इससे ऊपर नहीं. अगर बंदा जनरली काम कर रहा है. अब कई लोग ऐसे होते हैं कास्टिंग वाले जो बोलते हैं कि अरे आप हमें 2,000 दीजिए, हम आपके बच्चे को 5,000 का काम देंगे, तो फीस चार्ज करते हैं, तो वो फेक है. तो मत करिए कभी भी ऐसा. अगर कास्टिंग वाला कहता है कि भाई मेरे पास बजट ही यही है, आप काम करना चाहते हो उस बजट में, तो ठीक है, अभी आपके ऊपर है. अब आगे मैंने 10,000 के 12 डाले, 13 डाले, इस आपको इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि कमिटमेंट है. शूट शुरू होने से पहले आपने उस पर कमिट किया था, ठीक है. लेकिन इतना जरूर है कि कोई भी कास्टिंग वाला 5,000 का 25,000 आगे नहीं डालेगा. गॉट इट, समझ गया मैं. बहुत रेयर टू रेयर केसेस होगा, तो अदरवाइज ऐसा नहीं होता, नहीं है ऐसा नहीं होता. ये कहने की बात है. अब जितने जुबान उतने कहते हैं, जितनी मुँह उतनी बातें. अब बोलेंगे तो कोई कुछ भी बोल सकता है, लेकिन किसी की कोर्ट में झाँक के देखो ना कि जेब में फटी हुई है या छेद है, तो ऐसी भी है. तो हर एक को अपने बारे में पता होना चाहिए. और वैसे भी आज के डेट में टाइम नहीं है यार, आप किसी के बारे में जज करो, सच्ची बोलूँ. आप अपना कमाओ, अपना खाओ और चलो. समझ गया मैं. ठीक है, आप किसी के झमेले में पड़ोगे तो आपको नुकसान होगा. हाँ, कई बार होता है सेट पे आर्टिस्ट जाके प्रोड्यूसर से पूछते हैं कि आपने दीपक मल्होत्रा कितने पैसे दिए, दिलीपक बोला मैंने 5,000 रुपये दिए, आपने उसको कितने पैसे दिए. तो कुछ प्रोड्यूसर्स होते हैं, उनको भी चुन होती है बोलने की, वो बोल देते हैं. लेकिन नॉर्मली प्रोड्यूसर वाला कहता है कि नहीं, आप दीपक से बात कीजिए कितने पैसे दिए. ऐसा भी होता होगा ना कि एग्जाम्पल की लेट्स अज्यूम कि एक आपको दो लोग चाहिए एक जैसे रोल के लिए, और एक को आपने 100 रुपये दिए और एक को आपने 150 रुपये दिए एग्जाम्पल, और दोनों के बीच में आपस में बात हुई और उसको पता चला मुझे तो 100 ही मिले. होता है, तो वो कहता होगा यार मैं भी तो सेम रोल कर रहा हूँ. देखिए हर प्रोडक्शन वाला ना अपनी कॉस्ट कटिंग करना चाहता है. कोई भी इवन आप भी जब बार्गेनिंग, आप जब शॉपिंग जाते हो तो बार्गेनिंग करते हो ना, आप भी बोलते हो ना 250 वाली चीज मुझे 200 मिल जाए, 150 मिल जाए, तो आप उसको कैसे प्रोडक्शन करते हो. तो उसमें ना देखिए एक्चुअल डिपेंड करता है कि एक्टर का वर्क प्रोफाइल क्या है. अगर एक्टर ने काम अच्छा किया है, उसने बड़े बड़े एड्स किए हैं, मूवीज के लिए वेब सीरीज करी है, तो डेफिनेटली उसका बजट अच्छा होगा, उसने इतनी मेहनत करी है ना. और एक बंदा है जो अभी भी आया है ना, जिसने बहुत ज्यादा काम नहीं किया पर एक्टर अच्छा है, तो डेफिनेटली उसकी थोड़े से हम लोग बजट काटने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो बजट करता है वो प्रोडक्शन हाउस की सेविंग होती है. वो प्रोडक्शन हाउस उस पैसे को अपने तरीके से यूज करता है, क्योंकि उनको भी तो आगे एड को रिलीज करना होता है ना. तो कॉस्ट कटिंग तो हर जगह होती है. आप देखिए इसका ना कोई क्वेश्चन का ना कोई वो कोई डायरेक्ट आंसर नहीं है. समझ ये सारा कुछ डिपेंड करता है एक्टर के ऊपर कि किसमें कितने में कंफर्ट है. अगर उसको लगता है कि ठीक है मुझे 5,000 में मेरा कंफर्ट जोन बनता है, मैं ओके हूँ, तो प्रॉब्लम क्या है. है ना. लेकिन वहीं पे एक्टर कहता नहीं मैं तो 10,000 ही लूंगा, अगेन सी और कॉल हो सकता है कि बाद में कॉल द्वारा कॉल ही ना आए आपको. प्रोड्यूसर बोला कि ठीक है रहने दो, मेरे पास 10,000 का बजट नहीं है, 5,000 वाला ही कर लो. तो ये रिस्क तो आपको लेना पड़ेगा. या तो आप टाइट हो जाओ कि मैं 10,000 से नीचे काम नहीं करूंगा, या फिर आप रिस्क लेना सीखो. और स्पेशली दिल्ली मार्केट के अंदर ना आपको अपना बजट ज्यादा इंक्रीज नहीं करना चाहिए. मैं खुद बोल रहा हूँ ये बात. एक फ्रेशर की लेट्स अज्यूम कि स्टार्टिंग 3,000 से स्टार्टिंग होकर 10,000 तक हो जाती है. एकदम फ्रेशर की, एकदम फ्रेशर की, एक दिन की. हमने दिए ना फ्रेशर को, हमने 10,000 भी दिए, ऐसा नहीं है. एक डे की पेमेंट होती है, पर डे का पेमेंट, पर डे का पेमेंट होता है. डिपेंड करता है अगेन सामने से बजट के, बजट कितना आ रहा है, प्रोजेक्ट क्या है, कौन कितना बड़ा ब्रांड. अब कई बार होता है लोग सोचते हैं कि रिलायंस का बजट आ गया है ना, बहुत बड़ा बजट होगा है ना, या किसी बड़े ब्रांड का बजट आ गया तो बहुत. ऐसा नहीं होता. देखिए कोई भी प्रोडक्शन हाउस हो, अब जैसे मान लो यशराज आ जाए, तो यशराज की थोड़ी कि हर फिल्म के अंदर बजट बहुत अच्छा होगा. वो लोग भी तो कम बजट की फिल्में बनाते हैं है ना. तो बजट डिपेंड करता है प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट. ऐसा नहीं कि हर बजट में आपने नाम लिया अच्छा यशराज की फिल्म आ रही अच्छा बजट अच्छा होगा, ऐसा नहीं होता. ये हर जगह पे बजट में कॉस्ट कटिंग तो होती है, और आजकल तो ज़्यादा हो गया, आफ्टर कोविड तो काफ़ी हो गया. अच्छा फिर ऐसा भी है क्या, मतलब लेट्स अज्यूम जैसे मैंने मान लो थिएटर वेटर किया और मैं फर्स्ट टाइम ऐसे ऑडिशन वगैरह दे रहा हूँ, और ऑडिशन देने के बाद सेलेक्ट भी हो गया, फिर मुझसे पूछा गया कि आपका बजट कितना है, मुझे तो पता ही नहीं है, मुझे तो लगे कि कुछ भी दे दो यार. तो ये आपको नॉलेज ही कमी है, आपको नॉलेज लेनी चाहिए. अच्छा आपको ये मैं कितना चार्ज करूँ. देखिए अब अगेन ये एक टीवी कमर्शियल है. हाँ, किस बजट में आता है, क्या प्रोजेक्ट है, बेसिकली बड़ा ब्रांड है छोटा ब्रांड है,
आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, आप तक आपने काम नहीं किया, तो मैं सच्ची बोलूँगा तो फिर आप अपने बजट पे काम मत कीजिए। आपको काम मिल रहा है ना, फटाफट काम कीजिए, अपनी वर्क प्रोफाइल में ऐड कीजिए, अपनी वर्क प्रोफाइल को धीरे धीरे बढ़ाइए, फिर अपना बजट मांगना शुरू करिए। इनिशियली में जो बजट आपको ऑफर किया गया उस बजट पे आप हाँ भर के काम करिए, क्रिएट योर वर्क प्रोफाइल एज कम्पेयर टू कि आप मनी के पीछे, तब फिर आप अपना बजट मांगिए, तो आपको किसने मना किया। अपना वर्क प्रोफाइल, अपनी वर्क रैंक्स को इंक्रीज कीजिए पहले कम से कम। अभी हुआ ना पीछे एक ऐड चल रहा था हमारा, तो किसी थिएटर का था वो बच्चा, ठीक है, बच्चा मतलब 20-22 साल का लड़का था वो, तो और शूट था उसका चेन्नई के अंदर। तो हमने बजट अपना बोल दिया, 18-20 हज़ार का बजट था हमारा। उसने बोला लेट मी गेट बैक, आई डिस्कस विद माय टीचर। वो थिएटर टीचर कभी किसी जमाने में अपने एक्टर रहे होंगे, उन्होंने बोल दिया कि 75,000 मांगो। लेकिन हर बार ये वो ना बजट में 70-70 डालूगा, तो ऐसा नहीं है, हमने 1.5-1.5 लाख भी दिया आर्टिस्ट को, हमने 2-2 लाख भी दिए, हमने 5-5 लाख भी दिए। हमारे यहाँ से ही हुआ आर्टिस्ट जिनको हमने पैसे 5-5 लाख रुपए भी दिए, बट अगेन उसकी प्रोफाइल और प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो पहले अपनी प्रोफाइल तो इंक्रीज कीजिए, वर्क लिंक्स अपने बढ़ाइए थोड़े से। ओके, आप इस इंडस्ट्री में बहुत सालों से है ना, मतलब अंदर से बहुत सारी चीज़ें देखा है, ऐसा ना मतलब एक नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ तो ऐसे कहते हैं कि ये जो इंडस्ट्री है सेक्सुअली बहुत ज़्यादा ख़राब है, ऐसा है क्या? उस बात का जवाब आपको मैं पहले भी दे चुका था। अगेन आई एम सेइंग, आई एम नॉट आस्किंग अबाउट दिस कास्टिंग ऑप्शन, देयर देयर नो वन कैन टच यू विदाउट योर परमिशन, मैंने बोला ही था आपको। हाँ ठीक है, इसमें इस हमारी इंडस्ट्री के अंदर कई किस्म के लोग हैं, अच्छे भी और बुरे भी। लोन नहीं मिलता अगर ऐसा ना करो तो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ ऐसा कुछ नहीं है। हाँ आपको चुनौती है जल्दी आगे बढ़ने की, तो हम क्या कर सकते हैं उसके ऊपर? ओके ठीक है, आपको ही अपने पर विश्वास नहीं है। हाँ आपको लगता है कि ऐसा करने से काम मिल जाएगा। हाँ देखिए, किसी के बारे में कुछ भी स्टेटमेंट देना बहुत इजी है, मेरे हाँ बारे में बहुत से लोग कुछ भी बोल सकते हैं या बोलते भी होंगे। हाँ तो मुझे फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ का, अगर कोई बोलता है तो मैं बोलता हूँ ठीक है प्रूफ दिखाओ। अप्रूव भी आजकल बन जाते हैं क्या? ठीक है, अप्रूव भी बन जाते हैं। हाँ सो एक बीच में काफ़ी बड़ा कैंपेन चला था, मीटू करके कैंपेन चला था। हाँ काफ़ी बड़े बड़े लोगों का नाम आ गया था, चल गया था, वो लोग तो आज भी काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में। हाँ जिन्होंने लगाया था वो गायब हो गए। अच्छा, AI के आने से डू यू थिंक, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रिएटिवनेस बढ़ेगी थोड़ा सा। हाँ जो लोग सो रहे थे वो थोड़ा जागेंगे, लेकिन उनकी खतरा तो होगा काम पे। अच्छा हाँ, ये जरूर है कि अभी वो टाइम नहीं आया कि जहाँ पे एक वर्चुअल हीरो हीरोइन दिखा के आप सोचोगे कि फिल्म हिट हो जाएगी। हाँ तो वो तो नहीं हो सकता, वो अभी टाइम है, वो टाइम है। अब हमारी टेक्नोलॉजी कितना इंक्रीज करेगी तो नहीं कह सकता। AI आने से ये इतना जरूर है कि आपके काम करने की स्पीड बढ़ेगी। हाँ ठीक है, अगर आप उसको सही तरीके से यूज़ करते हो। नहीं वो तो आई टोटली अंडरस्टूड दिस। हाँ अगर आप स्पीड यूज़ करते हो उसको, लेकिन आप सोचो कि एक्टिंग में AI आ जाएगा उससे फ़र्क पड़ेगा तो नहीं होगा। हाँ देखिए, प्रॉब्लम पता क्या आज की डेट में, आप बड़े बड़े हमारे नामी गिरामी इंस्टीट्यूट हुआ करते थे इंडस्ट्री के अंदर, जैसे NSD हैं, मंडी हाउस है, और जो भी बड़े बड़े स्कूल के ड्रामास में, वहाँ पे भी मैंने पीछे लोग हमारे पास आते रहते, तो मैं सुनी सुनाई बात ही कर रहा हूँ, मैं प्रूफ के साथ नहीं कह सकता, लेकिन वो लोग भी ये कहते हैं कि अब वो जज्बा नहीं रहा उन एक्टर्स के अंदर। हाँ पेशेंस नहीं रहे कि वैसे पहले लोग 5-5 साल 10-10 साल थिएटर करते थे फिर एक्टर बनते थे। हाँ है ना, अभी तो 2 महीने एक्टिंग कोर्स करेंगे और बोलेंगे हम एक्टर हैं। हाँ तो नेचुरली टाइम तो लगेगा ना आपको, अगर किसी चीज़ को, एक आम का पेड़ भी 9-8 साल बाद आम का पेड़ आम देता है,
और आपको पहले साल में ही आपको चाहिए आपका बजट 1 लाख हो जाए और आप बड़े स्क्रीन पे एज ए हीरो बन के आ जाए, तो वो तो नहीं हो सकता। अनटेनलेस आपके ससुर जी प्रोड्यूसर ना हो या आपका बड़ा भाई प्रोड्यूसर हो तो बात अलग है। बड़े बड़े स्टार्स के बच्चे हिट नहीं हुए। नहीं नहीं, गॉट योर पॉइंट। तो आप वो पहली बात भी कभी भी किसी को अपने आप से कंपेयर मत कीजिए कि यार वो ऐसा है तो मैं ऐसा क्यों नहीं हूँ, मैं ऐसा तो वो वैसा क्यों नहीं है, उसको काम मिल गया मुझे काम नहीं मिला। आप अपने अंदर अपनी गलतियाँ निकालने की कोशिश कीजिए कि आपके अंदर क्या कमी है, पहले उसको तो ठीक कीजिए फिर सामने वाले से कंप्लीट कीजिए। मैं आपसे आखिरी सवाल पूछूंगा, मतलब बिकॉज यू आर इन दिस इंडस्ट्री फ्रॉम लास्ट मैनी ईयर्स, कुछ अंदर का इनसाइड जो आपको लगता हो कि ये किसी को नहीं पता होता, मैं बताता हूँ। मुझे भी हीरो बनना है। कई लोग बोलते हैं मुझे कि सर आपकी शक्ल सूरत माशाल्लाह गरीबों जैसी है, तो क्यों नहीं कोई गरीब का रोल करते। करूँगा। मुझे संजीव कुमार जी का वो फिल्म थी खिलौना आई थी जिसमें उन्होंने पागल का रोल किया था, मैं भी कुछ ऐसा ही करना चाहता हूँ। आपने ऐसा भी वो किया है क्या, मतलब ये तुरंत आया मेरे माइंड में कि शूटिंग है लेट्स अज्यूम लंदन है ना। नहीं नहीं नहीं, फिर आप कह रहे हो यार मेरे को भी तो जाना है, मैं कास्टिंग किया मैंने यहाँ की। नहीं नहीं नहीं, ऐसे तो होता रहता दिल्ली के अंदर कई बार, मैं मतलब मजाक करता रहता हूँ कई बार। अभी पीछे एक बैंकॉक में शूट होना है अभी कुछ दिनों में, तो मैं बार बार उनसे बोल रहा था प्रोडक्शन हाउस से कि टिकट मेरा भी करा देना है ना, वो कहते घर बैठे बजट नहीं है। तो नहीं, एक्चुअली काम से फुर्सत ही नहीं मिल पाती है। कास्टिंग इज अ फुल टाइम जॉब, सो फुल टाइम 7 days a week, फुल टाइम जॉब। आप सोचें कास्टिंग पर्सन सिर्फ 10 से 8 के बीच में होती है, ऐसा कुछ नहीं होता, इट्स अ फुल टाइम जॉब। तो अगर कास्टिंग में आना है तो सब आपको सब कुछ यारी दोस्ती शादी ब्याह सब छोड़ना पड़ेगा, तब कास्टिंग में। अगर आप सीरियस वर्क करना चाहते हैं तो इसको ऐसे ज़ूम मत कीजिएगा कि बड़ी ईजी जॉब है, बड़ी चौका चौंध वाली जॉब है, ऐसा कुछ नहीं है। उतनी मेहनत है जितनी एक्टर करता है, बल्कि एक्टर से ज़्यादा मेहनत करता है। मैं यहाँ पे एक चीज़ बोलना चाहूँगा सबसे, जितने भी एक्टर्स वगैरह जो इसको देख रहे होंगे या जितने भी लोग हैं, कि सिर्फ एक्टर मत बनिए, इस इंडस्ट्री में अपने काम करने की स्कोप को ढूंढिए। कहने का मतलब जितना कैमरे के आगे काम है उतना ही कैमरे के पीछे भी बहुत सारा काम है। ADs, DA, फोटोग्राफर, स्टाइलिश, मेकअप आर्टिस्ट, बहुत सारे काम है। ऑलराउंडर बनिए, ऑलराउंडर बनिए। तो ऑलराउंडर ना भी बनिए, एक पकड़ लीजिए कि मुझे ये करना है, बैकअप ऑप्शन। तो अपनी लाइफ में हमेशा जब भी आप इंडस्ट्री में आए तो अपना बैकअप ऑप्शन लेके आए साथ में, क्योंकि अगर सिर्फ हीरो बनते हैं मेरे चक्कर में पड़ गए और एक्टर नहीं बन पाए तो आपकी उम्र बीत जाएगी। तो बेटर है कि एक बैकअप ऑप्शन लेके, जैसे मैंने एक भी किया तो मैंने ये बैकअप ऑप्शन अपना चूज़ किया और मैं पीछे कास्टिंग में आ गया है ना। अदरवाइज हो सकता है कि मैं तब से लगा रहता अगर एक्टिंग बनने के लिए, तो शायद हो सकता है कि मैं आज भी पंकज त्रिपाठी होता। लेकिन किस्मत में आप ऑडिशन देते हो कभी कभी किसी एक बार भी सेलेक्ट हो कोई रोल की आपने रिसेंटली कुछ भी? अभी सीरियल का ऑफर आया हुआ था मेरे पास में, लेकिन एक तो पैसे बड़े कम दे रहे थे, ऊपर से आप कितना चार्ज करते हो क्या, तो कि मैं यार एक्चुअली बजट ही नहीं होता प्रोडक्शन हाउस के पास, पर डे कम से कम 1 लाख रुपए मांगता हूँ। अभी आप कह रहे थे कि इफ यू आर अ न्यू कमर तो आपको अपॉर्चुनिटी, मैं जिस सीट पे हूँ ना वहाँ की मेरी वर्थ बनती है, क्योंकि रीज़न क्या है कि मैं 15 दिन के लिए अगर बॉम्बे रहूँगा तो आने जाने किराया कौन देगा, और दूसरा मेरा जो काम हटेगा है ना, क्योंकि 1 नाव में ही पैर रखना ज़्यादा बेटर है मेरे ख्याल से। तो अगर आप 2 नाव में पैर रख रहे हो तो उस दूसरी नाव की वर्थ तो होनी चाहिए। नहीं नहीं, मैं आज भी मेरे थ्रू जितने भी कोई बाई चांस प्रोड्यूसर डायरेक्टर देखा है उसको लगता है कि मैं अच्छा एक्टर हूँ, तो प्लीज़ ऑफर भी, बजट का कोई इशू नहीं है, हाँ काम अच्छा होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, आई होप आपको अच्छा लगा मुझसे बात करके। बहुत अच्छा लगा, और मैं तो पूरी रात बात कर सकता हूँ अगर आपके कैमरे में रील है तो, अदरवाइज कोई इशू नहीं है। बातें बहुत सारी हैं करने की, और मैं जितने भी चलते चलते इतने कहना चाहूँगा इस न्यू कॉमर्स को कि पेशेंस रखिए, आज के डेट में एक्टर्स के अंदर पेशेंस की बहुत कमी है। और अपने भगवान ने 2 कान दिए ना, तो 1 कान से सुनिए दूसरे कान से निकाल दीजिए वो बात जो आपकी अच्छी ना लगती है ना। और 2 आँखें दी हैं, अगर देख सकते हो तो ठीक है, नहीं तो बंद कर लो और अपनी ज़ुबान पे ताला लगा के रखो, जब तक ज़रूरत ना हो तब तक उस ज़ुबान को मत खोलो। तो अपना बारे में बस उतना ही, सेट पे भी कहीं भी जाए तो सिर्फ अपने काम पे ध्यान दें, जॉब एक्टिंग में ऑडिशन देने को जो सेट पे अपना कैरेक्टर करने गए उसी कैरेक्टर में रहें, फालतू फालतू चीज़ों पर ध्यान मत रखिए, काम कीजिए, हार्ड वर्क करिए, एक ना एक दिन आपको तरक्की जरूर मिलेगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज हमारे साथ थे हम दिल्ली के फेमस कास्टिंग डायरेक्टर कंपनी के मालिक मिस्टर दीपक मल्होत्रा। अगले एपिसोड में फिर हम मिलेंगे किसी एक नए स्ट्रक्चर के साथ। बाय बाय, टेक केयर।